421 फेसबुक पोस्ट। ये पढ़ते ही अचानक अरमान की आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई कंडीशन तो नहीं है ना? ये सुनकर तनुजा हैरान रह गई। वो अरमान को बहुत अच्छे से जानती थी। इस वक्त अरमान के दिमाग में क्या चल रहा था वो समझ चुकी थी। तनुजा मन ही मन सोच रही थी कि काश वो अरमान को कोई और गिफ्ट दे देती। ओ मैं, तनुजा हड़बड़ाते हुए बोली। तभी अरमान ने कहा, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस वक्त अरमान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उन दोनों के डिनर करने के बाद शीना डिनर टेबल से सारे बर्तन उठाकर ले गई। तभी अरमान तनुजा का हाथ पकड़कर उसे हॉल की तरफ ले गया। उसने तनुजा को अपने करीब सोफे पर बिठाया और फिर वो दोनों टीवी देखने लगे। अरमान ने पुरानी पेन ड्राइव्स निकाली जिनमें वर्ल्ड वॉर की कुछ वीडियोस थीं। अरमान को ऐसा करते देख तनुजा उदास हो गई। उसे वॉर से रिलेटेड मूवी देखने का बिल्कुल मन नहीं था। जहां दूसरे कपल्स बर्थडे पर एक दूसरे के साथ रोमांटिक मूवीज देखते हैं, वहीं अरमान और तनुजा इस वक्त पेट्रियोटिक वीडियोस देख रहे थे। पेन ड्राइव में से अरमान ने एक मूवी चुनते हुए कहा, ये सही रहेगी, इस मूवी के सभी सीन्स बहुत रियलिस्टिक हैं। मूवी देखते हुए तनुजा को बोर होने की वजह से नींद आने लगी थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अरमान के साथ बैठकर वो मूवी देखनी पड़ रही थी। तभी अचानक अरमान को जिमी का फोन आ गया। जिमी को अरमान से कुछ जरूरी बात करनी थी, पर जैसे ही जिमी ने फोन पर पीछे से आते हुए शोर को सुना तो हैरान होते हुए बोला, ये गोलियां चलने की आवाज कहां से आ रही है? अरमान, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो मैं वर्ल्ड वॉर मूवी देख रहा हूँ, अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। ये सुनकर जिमी हैरान रह गया। पहले उसे लगा कि शायद उसके कान खराब हो गए हैं। उसे अरमान की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी जिमी ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम तनुजा के साथ टाइम स्पेंड करने के बदले वर्ल्ड वॉर मूवी देख रहे हो? तनुजा भी मेरे साथ मूवी देख रही है, अरमान बोला। जिमी के लिए ये बहुत ही अनफेयर था। अरमान जैसे लड़के को इतनी स्वीट और सुंदर गर्लफ्रेंड जो मिल गई थी, जबकि जिमी अभी तक सिंगल था। तुम्हें तो तनुजा को पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए, कोई भी नॉर्मल इंसान तुम्हें कभी भी टॉलरेट ना कर पाए। इतना कहकर जिमी ने फोन रख दिया। अरमान ने भी फोन रखते हुए तनुजा के गाल पर बड़े ही प्यार से किस किया और कहा, मैं क्या तुम्हें परेशान करता हूँ? जिमी मुझसे जलता है, मुझसे सब जलते हैं। आखिर वर्ल्ड वॉर मूवी देखने में बुराई ही क्या है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरमान इतना कहकर तनुजा के करीब आया और उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए दोबारा मूवी देखने लगा। अब तनुजा को नींद आने लगी थी, उससे अब बोर बैठा नहीं जा रहा था। एक घंटे बाद जब तनुजा की नींद की वजह से पलकें भारी हो गईं, तो वो अरमान से बोली, तुम मूवी देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरमान, मैं शावर लेने जा रही हूँ, मैं अभी अब और नहीं देख सकता, इसे अकेले देखना मेरे लिए बहुत बोरिंग होगा, हम कल यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इतना कहकर अरमान ने टीवी बंद कर दिया। अब तनुजा बहुत बोर हो चुकी थी, वो दोबारा ये मूवी बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। तनुजा मन मार कर अरमान की डिमांड्स पूरी कर रही थी, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। शावर लेने के बाद अरमान बेड पर लेटा रूम की सीलिंग को देख रहा था। इस वक्त वो बड़े ही ध्यान से कुछ सोच रहा था। अगले ही पल तनुजा अरमान के पास आकर लेट गई और बोली, तुम इतने सीरियस होकर क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमसे क्या विश मांगूं, अरमान ने कहा। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे। तो फिर ठीक है, तुम सोचते रहो, मैं चली सोने। इतना कहकर तनुजा ने चादर ओढ़ ली। तभी अरमान तनुजा के करीब आकर उसके कान में कुछ बड़बड़ाया। अरमान की बात सुनकर तनुजा का चेहरा लाल पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान के दिमाग में ये सब चल रहा है। तनुजा ने अपना चेहरा चादर से छुपा लिया और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगी। लेकिन तुमने तो कहा था ना, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, अरमान ने तनुजा के चेहरे से चादर हटाते हुए कहा। तनुजा को इस वक्त बहुत शर्मा रही थी, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था, अरमान ने मुंह फुलाते हुए कहा। मुझे लगा था तुम मेरे 30वें बर्थडे पर मेरे लिए कुछ स्पेशल करोगी। तनुजा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अरमान के लिए बहुत से गिफ्ट आइडियाज सोचे थे, पर वो सब इतने खास नहीं थे। अगर तनुजा प्रेग्नेंट ना होती तो वो जरूर शिवानी का सजेस्टेड सरप्राइज अरमान को देती। वो चाहती थी कि अरमान का ये बर्थडे उसके लिए यादगार रहे, पर अफसोस
इस वक्त तनुजा प्रेगनेंसी की वजह से कुछ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। अरमान तनुजा से मुंह फेर कर बैठ गया। अरमान के चेहरे पर इस वक्त उदासी छाई थी। अरमान को इस तरह उदास देख तनुजा को बहुत बुरा लग रहा था। आखिरकार ये अरमान का 30वां बर्थडे था। वो अपने बर्थडे पर तनुजा के सरप्राइज के लिए बहुत एक्साइटेड था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद तनुजा ने अरमान को गले लगाते हुए कहा, ठीक है, जो तुम कह रहे हो मैं वो करने को तैयार हूँ। अरमान ये सुनकर झट से मुड़ा। इस वक्त उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। तो क्या हम शुरू करें? अरमान झट से बोला। तनुजा ने अपना शर्माता हुआ चेहरा चादर से छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हारी विश पूरी करने को तैयार हूँ, पर आज नहीं। आज इतनी देर मूवी देखने के बाद मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे भी मेरे साथ साथ बेबी को भी रेस्ट चाहिए। फिर तुम मेरी विश कब पूरी करोगी? अरमान नहीं चाहता था कि वो तनुजा को अपनी विश पूरी करने के लिए फोर्स करे, पर न जाने क्यों ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। सही वक्त आने पर मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। वैसे भी अभी डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा है। तनुजा जितना हो सकता था उतना अरमान की विश को डिले करना चाहती थी। ठीक है, पर आज के लिए मुझे थोड़ी छूट मिल सकती है? आज मेरा बर्थडे जो है। इतना कहकर अरमान भी तनुजा के बगल में लेट गया। फिर अरमान तनुजा के करीब आया और उसने तनुजा को अपनी बाहों में भर लिया। फिर वो उसे बड़ी संजीदगी से किसेस करने लगा। इस वक्त तनुजा का चेहरा लाल पड़ चुका था। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। अरमान अपने इस जन्मदिन को यादगार बनाना चाहता था। इस बार उसके साथ तनुजा जो थी, साथ ही साथ तनुजा प्रेग्नेंट भी थी। अरमान हमेशा से जैसी लाइफ पार्टनर चाहता था उसे वो मिल चुकी थी। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। अरमान तनुजा को शर्माते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खुश था कि तनुजा जैसी लड़की उसकी जिंदगी में आई। तभी अरमान तनुजा की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम तो खुद कुछ करोगी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही। अरमान की बात सुनकर तनुजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं आज ही तुम्हारी विश पूरी कर देती हूँ। अरमान ये सुनकर एक्साइटेड हो गया। वो झट से बोला, क्या सच में? अरमान को इतना एक्साइटेड देख तनुजा मन ही मन सोचने लगी कि कहीं उसने ये बोलकर गलती तो नहीं कर दी। वैसे भी अरमान अब तनुजा को अपनी बात से पलटने नहीं देगा। तनुजा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरमान इतना कहकर बेड पर लेटा रहा। उसे देखकर लग रहा था कि वो तनुजा को हिंट दे रहा है कि अब तनुजा की बारी है। यहाँ दूसरी तरफ आधी रात को जिम्मी अपना फेसबुक पेज स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसने देखा कि अरमान ने एक नई पोस्ट के साथ अपना स्टेटस अपडेट किया है, जिसमें लिखा था, थैंक यू तनुजा, मुझे इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। मेरा ये अब तक का बेस्ट बर्थडे था। इसके बाद अरमान ने बहुत से दिल वाले इमोजीज पोस्ट किए हुए थे। पोस्ट में गिफ्ट बॉक्स की फोटो भी थी। इस पोस्ट पर सबसे पहला कमेंट दीपिका का था। कमेंट में लिखा था, ये सब क्या है अरमान भाई? इसके नीचे अवंतिका ने कमेंट करते हुए लिखा था, वाओ, आखिर इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है? मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। इसके नीचे सीमा का कमेंट था, बेटा आजकल तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? ये सब पढ़कर जिमी ने भी उस पोस्ट पर कमेंट किया, अरमान तुम इस तरह अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर क्यों दिखा रहे हो? जब से अरमान ने तनुजा को डेट करना शुरू किया था तब से उसके फेसबुक अकाउंट पर ज्यादातर इमोशनल पोस्ट्स ही देखने को मिलती थीं। अचानक अवंतिका का मैसेज देखकर जिमी ने उस पर रिप्लाई करते हुए कहा, अगर तुम्हें भी गिफ्ट चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट ला सकता हूँ। अवंतिका ने जिमी का रिप्लाई करते हुए लिखा, ओके। जिमी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश था कि अवंतिका ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया। यहाँ अगली सुबह तनुजा अभी भी सो रही थी कि तभी अरमान का फोन बजने की वजह से उसकी नींद खुल गई। स्क्रीन पर जिमी का नाम देखकर अरमान बेरुखी से बोला, तुम इतनी सुबह सुबह मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? एपिसोड 422 सरेंडर। सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम अब तक सो रहे हो? अरमान अब उठ भी जाओ, ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग है, जिमी ने अरमान से कहा। मेरी नींद खराब करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, पर तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब क्या करना है, अरमान ने चिढ़ते हुए जवाब दिया।
इतना कहकर अरमान ने तनुजा का हाथ पकड़ते हुए आगे कहा, तुम नहीं समझोगे, वैसे भी तुम तो अब तक सिंगल जो हो, तुम्हें पता भी अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने से दिल को कितना सुकून मिलता है। जब वाइफ साथ हो तो ऑफिस आने का मन किसका करता है। मुझे पता है मैं सिंगल हूँ, तुम्हें बार बार मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, जिमी बेरुखी से बोला। इस वक्त जिमी अरमान की बात से चिढ़ चुका था। अच्छा ये बताओ कि कल रात तुम्हें तनुजा ने क्या गिफ्ट दिया? जरूर गिफ्ट में कुछ अच्छा ही होगा, मुझे भी वैसा ही गिफ्ट अवंतिका को देना है, जिमी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। लेकिन अरमान ने जिमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी जिमी ने दोबारा अपनी बात दोहराई, अरमान प्लीज बताओ ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वो गिफ्ट अवंतिका को देना ठीक रहेगा। ये सुनते ही जिमी समझ गया कि अरमान किस तरह के गिफ्ट की बात कर रहा है। वो हैरान होते हुए बोला, सचमुच तुम पागल हो अरमान, लेकिन अभी तो तनुजा को डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया है, उसके लिए रेस्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है तुम दोनों अपने होने वाले बच्चे को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अरमान ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाया, जिमी भी ना कितना इनएक्सपीरियंस्ड है, इसका दिमाग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, इसे क्या पता जो ये सोच रहा है दुनिया में करने के लिए इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अफसोस अरमान जिमी को अपनी विश के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर तनुजा को ये बात पता चलती तो उसे बहुत बुरा लगता। अरमान ने जब कुछ देर जिमी की बात का जवाब नहीं दिया तो जिमी ने मान लिया कि जो वो सोच रहा है वही अरमान का गिफ्ट था, और वो ऐसा कोई भी गिफ्ट अवंतिका को नहीं दे सकता था। अभी तो हम रिलेशनशिप में भी नहीं आए हैं, कहीं तुम्हारे गिफ्ट के चक्कर में वो मुझे गलत ही न समझने लगे, जिमी बोला। तो फिर ठीक है, जब तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओगे तब अवंतिका को ये गिफ्ट दे देना। अच्छा चलो अब मुझे अकेला छोड़ दो, बाय। इतना कहकर अरमान ने फोन रखकर तनुजा की तरफ देखा। तनुजा नींद में अरमान को ही देख रही थी। इस वक्त तनुजा की आंखें किसी टिमटिमाते तारे की तरह चमक रही थी। उसके गुलाबी होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल थे। तनुजा बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती थी। अरमान जब भी उसे इस तरह सोते हुए देखता उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। कल रात अरमान ने तनुजा से जो विश मांगी थी वो तनुजा ने पूरी कर दी थी। अपने गिफ्ट को याद करते हुए अरमान ने तनुजा के माथे पर बड़े ही प्यार से किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग तनुजा, मेरा ये बर्थडे अब तक का बेस्ट बर्थडे था, कल रात तुम्हारा सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया। अरमान बार बार तनुजा को उसके गिफ्ट की बात करके छेड़ रहा था। ये सुनकर तनुजा के गाल लाल पड़ गए थे। तभी तनुजा ने कहा, तुम अब बार बार अपनी विश के बारे में बात क्यों कर रहे हो, क्यों तुम्हें शर्म आ रही है? अरमान तनुजा को छेड़ते हुए बोला, इसमें बुराई क्या है, आखिर हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, फिर मुझसे कैसा शर्माना, वैसे भी तुम मेरी विश तो पूरी कर ही चुकी हो। हाँ वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर ब्लैकमेल जो कर रहे थे। तनुजा झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें विश पूरी करने के लिए फोर्स नहीं किया था। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है, अब तो हमारा बेबी भी इस दुनिया में जल्दी आने वाला है, जल्दी हमारी छोटी सी फैमिली होगी। ये सुनकर तनुजा बोली, कुछ चीजें बार बार करने से बोरिंग हो जाती हैं, समझे? अचानक अरमान थोड़ी देर सोचने के बाद तनुजा की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो अब तुम मुझसे बोर हो चुकी हो? इतना कहकर अरमान तनुजा के करीब आया और फिर उसे बड़ी ही संजीदगी से किस करने लगा। अरमान तनुजा को किस करता जा रहा था, कहीं ना कहीं तनुजा को भी इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। तनुजा अरमान को रोकने की कोशिश तक नहीं कर रही थी। तभी अरमान झट से उठा और अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, अब बताओ क्या है, तुम्हारे लिए बोरिंग था? तनुजा अरमान को घूरते हुए देखने लगी और बोली, अरमान तुम सच में बहुत नॉटी हो, तुम लड़कियों को हम लड़के कभी समझ ही नहीं पाएंगे, कल रात भी सारे एफर्ट्स मैंने ही किए, तुम तो बस शर्माए जा रही थी। इतना कहकर अरमान ने गहरी सांस ली और फिर शावर लेने बाथरूम में चला गया। अरमान की बात सुनकर तनुजा शर्माने लगी। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं अरमान ने जो कहा वो सच था। कभी कभी अरमान के लिए तनुजा को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, लेकिन अरमान तनुजा को बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने कभी भी उसे किसी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होने दिया था। ये जानते हुए कि तनुजा प्रेग्नेंट है, अरमान हमेशा उसकी जरूरत से ज्यादा फिक्र करता था। कुछ देर तनुजा बेड पर लेटी यूं ही मुस्कुराती रही और फिर उसने टेबल से अपना फोन उठाया और वो अरमान की फेसबुक पोस्ट को देखने लगी।
पोस्ट पर आए कमेंट्स को पढ़कर तनुजा को शर्म आने लगी थी, क्योंकि सभी लोग कमेंट्स में गिफ्ट के बारे में ही पूछ रहे थे। जब तनुजा ने जिमी और अवंतिका के कमेंट्स पढ़े तो वो हैरान रह गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि फिलहाल तो ऐसा कोई भी गिफ्ट जिमी के लिए अवंतिका को देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। उसे बहुत हंसी भी आ रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक लड़का तनुजा के पास आया और बोला, गुड मॉर्निंग तनुजा मैम, मैं निखिल, दर्शन सर का सेक्रेटरी। दर्शन सर ने मुझे आपको एक गिफ्ट देने को कहा है। इतना कहकर निखिल ने वो बॉक्स तनुजा को पकड़ा दिया। तनुजा इस वक्त बहुत हैरान थी। वो जानती थी कि दर्शन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसने जैसे ही बॉक्स को खोला, उसमें बहुत ही खूबसूरत सोने के कंगन थे। ये तो, तनुजा हैरान होकर बोली। तनुजा इस वक्त उस बॉक्स में वो कंगन देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। निखिल तनुजा का रिएक्शन देखकर मुस्कुराया और बोला, ये गोयल फैमिली के खानदानी कंगन है। गोयल फैमिली में ये रिवाज है, होने वाली नई बहू को ये कंगन तोहफे में दिए जाते हैं। ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है। ये तो गोयल फैमिली के पूर्वजों का खजाना है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना, तनुजा बोली। निखिल को तनुजा को इस तरह रिएक्ट करते देख हंसी आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब बिल्कुल ठीक समझ रही हैं, ये खानदानी कंगन है। वो कंगन देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। इतने सालों बाद भी उनकी चमक बिल्कुल पहले जैसी थी। कंगन पर हाथ से बड़ी ही बारीकी से डिजाइन बनाया गया था और उनमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। अब जब मैंने आपको एक गिफ्ट दे दिया है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर निखिल वहां से चला गया। तनुजा बहुत देर तक वहीं खड़ी कंगनों को निहारती रही। फिर उसने जल्दी से अरमान को बुलाकर सारी बात बताई। अच्छा तो ये तुम्हारे लिए डैड ने भेजे हैं, फिर तो तुम्हें इन्हें रख लेना चाहिए, अरमान ने बेपरवाह सी आवाज में कहा। तनुजा बोली, पर ये तो बहुत महंगे होंगे ना। हाँ ये तो है, पर ये कंगन उस डायमंड रिंग के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मुझसे कहीं गुम गई थी। उस रिंग की कीमत इनसे 10 गुना ज्यादा थी। ये सुनकर तनुजा की कैलकुलेशंस डगमगाने लगी थीं। दरअसल तनुजा बहुत कम पैसे खर्च किया करती थी और अरमान पैसों को पानी की तरह बहाता था। वो रिंग सच में बहुत कीमती थी, अरमान ने कहा। फिर तो ये कंगन, आखिर डैड ने इतने कीमती कंगन मुझे क्यों दिए? वो इन्हें दीपिका को भी तो दे सकते थे ना। अब वो कंगन तनुजा को किसी बोझ की तरह लग रहे थे। पर डैड अचानक मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करने लगे, तनुजा बोली। मुझे लगता है डैड ये चाहते हैं कि मॉम को वापस पाने में मैं उनकी मदद करूं, अरमान बेरुखी से बोला। क्या बात है, डैड सच में मॉम को पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, तनुजा बड़बड़ाई। तो तुम डैड की मदद करोगे या नहीं? नहीं, कभी नहीं, अरमान ने झट से कहा। तो फिर मुझे ये कंगन डैड को वापस लौटा देने चाहिए, तनुजा ने कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये कंगन जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, शादी होने के बाद वो तुम्हें इन्हें देते ही। पर फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कंगन तुम्हारे पास शादी से पहले आए या बाद में। तनुजा को इस वक्त दर्शन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि दर्शन ने इतनी कीमती चीज उसे दे दी सिर्फ इस उम्मीद में कि वो सीमा को दोबारा पा सकें। पर अफसोस, उनके बेटे ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे ही एक के बाद एक दिन बीतता गया। अचानक एक दिन तनुजा को पुलिस स्टेशन से फोन आया और उसे पता लगा कि आज सुबह 9 बजे अमित ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। फोन पर बात करने के बाद वो वहीं खड़ी कुछ सोचती रही। उसे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इस वक्त तनुजा के हाथ पैर कांप रहे थे। अमित ने तनुजा को प्रॉमिस किया था कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा, पर कई दिनों से अमित का कुछ अता पता नहीं था। तनुजा को कुछ दिनों से टेंशन हो रही थी कि कहीं इस बार भी अमित ने उसे झूठ तो नहीं कहा। लेकिन जब तनुजा को ये यकीन होने ही वाला था कि अमित ने एक बार फिर उसका भरोसा तोड़ा है, तभी उसे खबर मिली। फाइनली अमित ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इतने सालों बाद परमिंदर अब बेकसूर साबित होने वाला था। हालांकि परमिंदर इतनी जल्दी जेल से रिहा नहीं हो सकता था, भले ही अमित ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया हो, पर अभी केस की अच्छे से छानबीन होनी बाकी थी। पुलिस के कुछ प्रोसीजर्स थे जिन्हें पूरा करने के बाद ही परमिंदर जेल से बाहर आ सकता था। ये खबर सुनते ही अरमान ने डिसाइड किया कि वो तनुजा के साथ दूसरे शहर केस के बारे में जानने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा। परमिंदर की लॉयर होने के नाते कृति भी उन दोनों के साथ पुलिस स्टेशन जाने वाली थी। तनुजा ने ये खबर सिद्धार्थ को भी बताई,
हालांकि नीरजा परमिंदर से नफरत करती थी, पर सिद्धार्थ परमिंदर का इकलौता बेटा था। ये खबर सिद्धार्थ के लिए जाननी बहुत जरूरी थी। तनुजा ने फोन पर जब सिद्धार्थ को भी अपने साथ आने को कहा तो सिद्धार्थ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे यहाँ अपार्टमेंट में रेनोवेशन का काम देखना है। एपिसोड 423, शिवानी की शिकायत। तनुजा जानती थी कि सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन ना जाने के लिए रेनोवेशन का बहाना बना रहा है। तभी तनुजा ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ कि तुम डैड को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं जानती हूँ कि उन्होंने इतने वक्त में कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, पर जिस दिन से उन्हें ये पता चला कि मॉम प्रेग्नेंट है तो उन्होंने मॉम को अबॉर्शन नहीं करवाने दिया। डैड ने मॉम के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। तनुजा की बात सुनकर सिद्धार्थ हंसने लगा और बोला, भले ही उन्होंने मॉम के साथ कुछ ना किया हो, पर उन्होंने किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में लाकर मॉम को बहुत दुख पहुंचाया है। उन्होंने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। मुझे उन जैसे लोगों से बिल्कुल नफरत है। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह सिद्धार्थ को अपने साथ जाने के लिए मनाए। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। ये पूरी तरह से तुम्हारा फैसला होगा। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे डैड कैसे दिखते हैं? मैं बस चाहती हूँ कि डैड एक बार तुम्हें देख लें। वो इतने सालों से तुम्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इतने साल जेल में कई रातें उन्होंने जाग कर बिताई हैं। वो सच में बहुत कमजोर पड़ चुके हैं। तनुजा की कई बातें सिद्धार्थ के दिमाग में घूम रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मैं उन्हें डैड कहकर नहीं बुलाऊंगा, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे, 3 बजे तक वहां पहुंच जाना। फोन रखने के बाद सिद्धार्थ कुछ देर अपने रूम में खड़ा सोचता रहा, फिर वो रेडी होकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो शिवानी अपना सूटकेस लिए लिफ्ट से बाहर आ रही थी। अचानक सिद्धार्थ शिवानी के सामने आ गया था। इस वक्त शिवानी का सिद्धार्थ से बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर फिर भी ये सोचकर कि वो तनुजा का छोटा भाई है, शिवानी ने सिद्धार्थ से कहा, हेलो, फ्लैट का रेनोवेशन का काम कैसा? इससे पहले कि शिवानी अपनी बात खत्म करती, सिद्धार्थ ने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। शिवानी को थोड़ी देर तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर वो जब अपने सेंसेस में वापस आई तो सिद्धार्थ की इस हरकत को देखकर वो हैरान रह गई। इस वक्त उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सिद्धार्थ सचमुच शिवानी के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आया था। यहाँ शिवानी ने खुद सिद्धार्थ को हेलो कहा था, पर फिर भी सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर कर दिया। आखिर तनुजा जैसी स्वीट लड़की का इतना एरोगेंट भाई कैसे हो सकता है? शिवानी ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो अब सिद्धार्थ से कभी बात नहीं करेगी। शिवानी अपने रूम में वापस आ गई, पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे सिद्धार्थ का बिहेवियर बहुत रूड लगा था, इसलिए उसने तनुजा को फोन करके कहा, तनुजा तुम्हें सच में अपने भाई को सिखाना चाहिए कि किसी लड़की के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं इस तरह पढ़ाई में उसकी कभी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी और ना ही उसे अपने साथ खाने पर इनवाइट करूंगी। तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने तुम्हारे भाई को लिफ्ट में हेलो किया तो वो मुझे इग्नोर करके चला गया। शिवानी को इस तरह गुस्सा करते देख तनुजा को हंसी आ रही थी। उसने कभी शिवानी को इस तरह चिढ़ते हुए नहीं देखा था। सिद्धार्थ का तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। कुछ देर पहले मैंने ही उसे फोन करके डैड के बारे में बताया था। हो सकता है इस वजह से उसका मूड खराब हो। तुम्हें तो पता है ना, अमित ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। हम लोग आज पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, सिद्धार्थ भी हमारे साथ जा रहा है। वो अभी भी डैड को पसंद नहीं करता। हो सकता है जिस वक्त तुमने उससे बात करने की कोशिश की तब उसका ध्यान ही कहीं और हो। ये सब सुनने के बाद शिवानी ने कंप्लेन करना बंद कर दिया। वो अब समझ चुकी थी कि सिद्धार्थ ने उसके साथ इस तरह बिहेव क्यों किया होगा, पर कहीं ना कहीं शिवानी को अब भी अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था। शिवानी मन ही मन सोच रही थी कि सिद्धार्थ अभी बहुत छोटा है और उसके लिए अपने दिल में बुराई रखना ठीक नहीं होगा। इसलिए शिवानी ने डिसाइड किया कि वो खुद को सिद्धार्थ से दूर ही रखेगी। वैसे भी सिद्धार्थ बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। बस एक बार तुम्हारे डैड जेल से बाहर आ जाए तो फिर तुम राहत की सांस ले सकती हो, शिवानी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो, तनुजा बोली। लगभग 3 बजे तनुजा, अरमान, सिद्धार्थ और कृति एयरपोर्ट पहुंच गए। सिद्धार्थ वहां पहले से ही खड़ा हुआ था। इस वक्त सिद्धार्थ ने डेनिम जैकेट और जीन्स के साथ व्हाइट स्नीकर्स पहने थे।
वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। एयरपोर्ट पर बहुत से आते जाते लोगों की नजरें सिद्धार्थ पर ही टिकी हुई थीं। सूरज की हल्की हल्की किरणें सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ रही थीं। बहुत सी लड़कियां सिद्धार्थ को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थीं। तभी तनुजा ने देखा कि एक लड़की सिद्धार्थ को घूरते हुए बिना सामने देखे चलती जा रही है। तभी अचानक वो लड़की पोल से जा टकराई। कृति भी उस लड़की की तरफ ही देख रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो तनुजा से बोली, तुम्हारे भाई की वजह से लगता है आज बहुत सी लड़कियों को चोट पहुंचने वाली है। ये सुनकर अरमान हंसते हुए तनुजा से बोला, तुम्हें पता है जब मैं यंग था तो मुझे भी इसी तरह लड़कियां घूरा करती थीं। हैंडसम होना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत से लोग एयरपोर्ट पर मुझसे मेरा ऑटोग्राफ तक मांगने लगते थे। तभी तनुजा ने अरमान के हाथ पर चूंटी काटी। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस वक्त भी अरमान सिद्धार्थ के साथ कंपटीशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तनुजा ने अपना हाथ हवा में हिलाकर सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और कहा, ये डैड की लॉयर है कृति। सिद्धार्थ ने बिना कृति की तरफ देखे अपना सिर हिलाया और फिर वो अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढने लगा। ये देखकर कृति तनुजा के पास आई और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारा भाई तो मिस्टर गोयल के कंपैरिजन में बहुत अलग है। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या कहे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी सिद्धार्थ की पर्सनालिटी बहुत अलग है। तुम मुझे सिद्धार्थ से कैसे कंपेयर कर सकती हो? अरमान ने तनुजा की तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझ जैसे अच्छे इंसान को सिद्धार्थ के साथ कंपेयर क्यों कर रही हो? ये सुनकर तनुजा हैरान रह गई। क्या तुम हम दोनों की बातें सुन रहे हो? तनुजा ने कहा। तनुजा और कृति आपस में बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, पर फिर भी अरमान ने उन दोनों की बातें सुन ली थीं। अरमान के कान सच में बहुत तेज थे। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी कोई भी बात मिस कर दूं, अरमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरमान इस वक्त तनुजा को बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अरमान को इस तरह देख तनुजा शर्माने लगी। कृति ने उन दोनों को एयरपोर्ट पर इस तरह बिहेव करते देख अपना सिर पकड़ लिया। अरमान और तनुजा इस वक्त बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। तभी कृति ने तनुजा से कहा, तनुजा तुम्हारा भाई सिंगल है ना, क्या मैं अपनी छोटी बहन को उससे मिलवा सकती हूँ? इतना कहकर कृति ने तनुजा के कंधे पर अपना हाथ रख लिया और आगे बोली, मेरी बहन ने भी सिद्धार्थ की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया है। कृति की बात सुनकर तनुजा के माथे पर पसीना आने लगा था। इन दिनों तनुजा को बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे। वो सभी सिद्धार्थ को अपनी बेटियों से मिलवाना चाहती थी। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन सब लोगों को किस तरह मना करे। वैसे भी अभी सिद्धार्थ इस सब के लिए बहुत छोटा था। तनुजा मन ही मन सोच रही थी कि इतने हैंडसम और केपेबल भाई की बहन होना भी कभी कभी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अभी वो सिर्फ 20 साल का है और उसके साथ रिलेशन में आने के लिए बहुत सी लड़कियां तरस रही हैं। कुछ साल बाद सिद्धार्थ की डिमांड और बढ़ती जाएगी। न जाने तनुजा तब कैसे इन लोगों को हैंडल करेगी। तनुजा बस ये उम्मीद कर रही थी कि सिद्धार्थ जल्द से जल्द अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ले, ताकि लोग उसके लिए रिश्ता लाना बंद कर दें। तनुजा मुस्कुराते हुए बोली, मैं किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती। एक्चुअली सिद्धार्थ अभी बहुत छोटा है। ये सुनकर कृति हंसते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, पर सच में तुम्हारा भाई है बहुत हैंडसम। जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगेगा तब देखना, बहुत सी लड़कियां उसके प्यार में पागल हो जाएंगी। ये सोचकर ही तनुजा का सिर दर्द करने लगा। कुछ देर बाद वो सभी प्लेन में आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। तनुजा अरमान के साथ वाली सीट पर बैठी। कृति और सिद्धार्थ एक साथ बैठे। तनुजा कृति के साथ अपनी सीट एक्सचेंज करना चाहती थी, पर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर उसने ऐसा नहीं किया। आखिर तुम सिद्धार्थ के साथ क्यों बैठना चाहती हो? देखा, अपने भाई के आने पर तुम मुझे किस तरह ट्रीट कर रही हो। अब तुम्हारे लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे सिद्धार्थ से कुछ जरूरी बात करनी है, तनुजा ने इतराते हुए कहा। नहीं, तुम चुपचाप यहीं बैठी रहो। तुम ऐसे कैसे किसी और औरत को मेरे पास बैठने दे सकती हो? अगर कृति के दिल में मेरे लिए फीलिंग डेवलप हो गई तो मैं क्या करूंगा? अरमान बच्चों से शक्ल बनाते हुए बोला। मिस्टर गोयल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कृति ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। बदकिस्मती से कृति अरमान के बगल में ही खड़ी थी। उसने अरमान की सारी बातें सुन ली। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा। वैसे भी तुम लड़कियों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी जेलसी भी अच्छी अच्छी लड़कियों को बदल देती है, अरमान ने कहा। अरमान की बातें सुनकर कृति हैरान रह गई।
उसे अब समझ आ चुका था कि अरमान को अब तक अच्छे से जान नहीं पाई थी वो। उसे ये तो अच्छे से पता था कि अरमान थोड़ा पागल है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की बातें भी कर सकता है। कृति ने तनुजा की तरफ देखा। इस वक्त तनुजा के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। तनुजा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कृति की तरफ देख रही थी। 24 रिपोर्टर्स के सवाल। कृति ने अचानक तनुजा के लिए बुरा फील किया। जिस लड़की का अरमान जैसा लाइफ पार्टनर हो, उसकी लाइफ सच में आसान नहीं हो सकती। तनुजा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल पागल है, सिद्धार्थ ने कहा। तभी तनुजा ने सिद्धार्थ को घूरते हुए देखा और वो बोली, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, अब मैंने क्या किया? तनुजा की बात सुनकर सिद्धार्थ चिढ़ गया। कुछ देर पहले तुम्हें लिफ्ट के पास शिवानी मिली थी ना, उसने तुम्हें जब हेलो किया तो तुमने उसे इग्नोर कर दिया। तनुजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मैं शिवानी से कब मिला? सिद्धार्थ इस वक्त हैरान था, उसे याद ही नहीं था कि वो शिवानी से कब मिला। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सिद्धार्थ से क्या कहे। वो सोच रही थी कि अगर शिवानी को ये बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जब तुम लिफ्ट में थे तो शिवानी ने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, पर तुमने उसे इग्नोर कर दिया, तनुजा बोली। सिद्धार्थ सोचने लगा कि आखिर वो शिवानी से कब मिला था। तभी उसे याद आया कि लिफ्ट में उसे किसी लड़की ने हाय कहा था। हाँ, शिवानी ने लिफ्ट में मुझसे बात की थी, पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस वक्त मैं कुछ सोच रहा था। उस वक्त सिद्धार्थ परमिंदर के बारे में ही सोच रहा था और उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सिद्धार्थ, शिवानी एक अच्छी लड़की है और अब तो वो सिंगर भी बन चुकी है। उसका इंडस्ट्री में बहुत नाम है, उसे बहुत से लोग जानते हैं। क्या उसे इस तरह से ट्रीट करना अच्छी बात है? तुम उससे छोटे हो, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तनुजा ने तो शिवानी को सिद्धार्थ का ख्याल तक रखने को कहा था और वो चाहती थी कि शिवानी सिद्धार्थ की पढ़ाई में भी मदद करे। पर सिद्धार्थ ऐसी हरकतें करके शिवानी को हर्ट कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शिवानी दोबारा कभी सिद्धार्थ से बात नहीं करेगी। वैसे मुझे म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं स्कूल में था तो बहुत सी लड़कियां मुझसे बात करने या मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मेरे आगे पीछे घुमा करती थी, पर मैंने कभी उन्हें भाव नहीं दिया। शायद अब ये मेरी आदत बन चुकी है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब शिवानी को इग्नोर कर दिया, सिद्धार्थ ने अफसोस जताते हुए कहा। हे भगवान, आखिर इस यंग जनरेशन का क्या होगा? आजकल के बच्चे बिना अभी से इतने एरोगेंट हैं, अरमान इतराते हुए बोला। अरमान की बात सुनकर तनुजा उसे घूरने लगी। अरमान, तुम भी कम एरोगेंट नहीं हो। अगर इस बेसिस पर तुम दोनों को कंपेयर किया जाए तो तुम ही जीतोगे, तनुजा मन ही मन बड़बड़ाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उदास होकर तनुजा की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारी दोस्त इतनी छोटी छोटी बातें भी तुम्हें बताती है? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, पर शिवानी के लिए बहुत इंसल्टिंग था। इस वक्त तनुजा को सिद्धार्थ के कान खींचने का मन कर रहा था। अच्छा ठीक है, वो तुम्हारी दोस्त है इसलिए आगे से वो जब भी मुझसे बात करेगी तो मैं उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगा। पर मैं पहले ही बता दूं, मैं यूनिवर्सिटी में उसके अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करूंगा। वैसे भी आजकल मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, वैसे भी शिवानी अब तुम्हें दोबारा नहीं बुलाएगी। अच्छा ये बताओ, अब तो तुम्हारी क्लासेस भी नहीं है तो तुम कहाँ बिजी रहते हो? तनुजा झट से बोली, मुझे घर रहना ज्यादा पसंद है और अभी तो मैं फ्लैट की रेनोवेशन में ही बिजी हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर तनुजा चुप पड़ गई। सच में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ से आगे क्या ही कहे। वो तो शुक्र है कि सिद्धार्थ हैंडसम है। अगर वो दिखने में अच्छा ना होता और इसी तरह हमेशा घर पर ही रहता तो फ्यूचर में उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। तभी कृति तनुजा के कान में बोली, मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी बहन को तुम्हारे भाई से मिलवाना चाहूंगी। तनुजा समझ सकती थी कि सिद्धार्थ का ये बिहेवियर कभी कभी उसके लिए ही मुश्किल खड़ी कर सकता है। हो सकता है आने वाले वक्त में उसके बिहेवियर की वजह से लोग उसे नापसंद करने लगे। तभी अरमान तनुजा की तरफ घूरते हुए देखकर बोलने लगा, तुम्हें अपने भाई को कुछ सिखाना चाहिए। तनुजा मन ही मन सोच रही थी कि आखिर अरमान उसके भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि अरमान भी सिद्धार्थ जैसा ही था, बिल्कुल अकड़ू। अचानक तनुजा को वो लड़का याद आया जिसे दीपिका कुछ वक्त पहले घर लाई थी और वो मन ही मन बड़बड़ाई, अगर ये तीनों लड़के मिल गए तो हम सबकी नाक में दम कर देंगे। अचानक तनुजा अपने ख्यालों से बाहर आई। वो जानती थी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ ही देर में वो लोग दूसरे शहर पहुंच गए और उन चारों ने पुलिस स्टेशन जाने के लिए कैब बुक करी।
अरमान ने अमन को पहले ही पुलिस स्टेशन भेज दिया था। इस बार पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया रिपोर्टर्स की बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि अमित ने खुद को पुलिस के हवाले जो कर दिया था। जैसे ही वो चारों पुलिस स्टेशन के अंदर आने लगे तो कुछ रिपोर्टर्स ने तनुजा को घेर लिया। मिस तनुजा, हमने सुना है कि अमित ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, क्या आपके पास उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? जहाँ तक हमें पता है कि अमित ने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मिलकर आपके डैड को फंसाया था ताकि आपके डैड को जेल हो सके, क्या ये सब सच है? तनुजा के बगल में खड़े एक रिपोर्टर ने पूछा। तनुजा ये सब सुनकर थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि आखिरी बार जब अमित ने उसे सारी सच्चाई बताई थी तो उस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में इसका कोई जिक्र नहीं था। अमित ने खुद को सरेंडर अपनी मर्जी से किया है, शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो, अरमान ने आगे जाकर तनुजा के बदले रिपोर्टर्स को जवाब दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमित ने बहुत गलतियां की हैं, अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अमित ने जो भी किया उसकी सजा अमित को मिलकर रहेगी। वैसे मुझे लगता है आप रिपोर्टर्स को अपने काम पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पिछली बार आप लोगों के एक आर्टिकल की वजह से तनुजा को बहुत सफर करना पड़ा था, आपकी वजह से उसे कुछ दिन तक अपनी पहचान भी छुपा कर रखनी पड़ी। आखिर उसमें तनुजा की क्या गलती थी? तनुजा तो शुरुआत से ही बेकसूर थी। अगली बार से आप लोग अपने आर्टिकल्स में क्या लिख रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखना, आपकी वजह से बेकसूर लोगों को परेशानी होती है। आपका काम लोगों तक सच्चाई पहुंचाना है, ना कि बेकसूर लोगों को टारगेट करना। आप में से ही एक रिपोर्टर ने बिना सोचे समझे तनुजा के बारे में उस आर्टिकल में बहुत गलत लिखा था। अगर आप लोगों ने अपनी नौकरी ढंग से नहीं की तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरमान की बात सुनकर सभी रिपोर्टर्स शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अरमान की बात का जवाब कैसे दें। कुछ देर बाद एक फीमेल रिपोर्टर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मिस तनुजा मुझे माफ कर देना, वो आर्टिकल मैंने ही लिखा था, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। तभी दूसरा रिपोर्टर सामने आया और बोला, मैम मुझे भी माफ कर दो। इसके बाद सभी रिपोर्टर्स एक एक करके तनुजा से माफी मांगने लगे। ये देखकर तनुजा को बहुत अच्छा लगा। मैंने आप सबको माफ कर दिया है, पर जरा सोचिए उस वक्त उस आर्टिकल की वजह से मुझ पर क्या बीती होगी। उस वक्त सभी मुझे टारगेट करके भला बुरा कह रहे थे। अगर मुझे अपने डैड को जेल से बाहर ना निकलवाना होता तो शायद मैं लोगों की वो बातें सुनकर खुदकुशी भी कर लेती। लेकिन अब आप सबको पता लग गया है कि मेरे डैड बेकसूर हैं। जरा सोचिए अगर मैंने उस वक्त लोगों की भली बुरी बातें सुनकर कोई गलत कदम उठा लिया होता तो अब सच सामने आने पर आप लोगों को कैसा महसूस होता, तनुजा बोली। इस वक्त तनुजा की आंखें नम थीं। हो भी क्यों ना, उसने बहुत बुरा वक्त देखा था। वो जहाँ कहीं भी जाती थी लोग उसे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वहाँ मौजूद सभी रिपोर्टर्स तनुजा की बात सुनकर चुप पड़ गए। तभी अरमान ने बड़े ही प्यार से तनुजा को संभालते हुए अपना हाथ तनुजा के कंधे पर रख लिया। सिद्धार्थ वहीं खड़ा अरमान को ऐसा करते देख रहा था। आज पहली बार उसकी आंखों में अरमान के लिए इज्जत दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ ये देखकर खुश था कि अरमान तनुजा को इतना सपोर्ट करता है। जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर गए तो स्टेयर्स पर उन्हें अमन मिल गया। सब कैसा चल रहा है, अरमान ने अमन से पूछा। पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर अवस्थी से पूछताछ की, लगता है मिस्टर अवस्थी भी इस केस में इन्वॉल्व थे। मुझे डर है अगर ये सच हुआ तो ये केस जल्द क्लोज नहीं होगा, अमन ने कहा। ये सुनकर तनुजा धीमी आवाज में बोली, इसका मतलब डैड के असिस्टेंट और मिस्टर अवस्थी ने मेरे डैड को फंसाने में अमित की मदद की थी। पहले मिस्टर अवस्थी आपके डैड के साथ ही कॉलेज में प्रोफेसर थे, जब आपके डैड जेल गए तब से वो कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। मुझे लगता है उन्होंने प्रिंसिपल की पोजीशन हासिल करने के लिए ये सब किया होगा, और अमित ये बात अच्छे से जानता था कि मिस्टर अवस्थी को क्या चाहिए, अमन आगे बोला। इस वक्त अरमान बहुत गुस्से में था। चाहे कुछ भी हो जाए, उस अवस्थी को इस सब की सजा जरूर मिलेगी। अगर उसे प्रिंसिपल बनने का इतना ही शौक है ना, तो वो प्रमोशन का सहारा भी तो ले सकता था। उसने प्रिंसिपल बनने के लिए गलत रास्ता क्यों चुना, अरमान ने कहा। फिर अरमान और अमन कुछ देर केस के बारे में ही बात करते रहे। कुछ देर बाद वहाँ इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, जो कि इस केस के इंचार्ज थे, अरमान के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए बोले, मिस्टर गोयल आपको यहाँ रुक कर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर इस केस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दरअसल मुझे ये जानना है कि मेरे फादर इन लॉ कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे, अरमान ने पूछा। फिलहाल तो मिस्टर अवस्थी ने अपना गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया है। मुझे लगता है वो इस बारे में अपने लॉयर से बात करना चाहते हैं। इस केस में बहुत लोगों का हाथ है। मिस्टर अवस्थी के शहर में बहुत से लोगों से जान पहचान है,
अब ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। हर तरफ लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। पर आप बेफिक्र रहिए, हम सच सामने लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये केस एक हफ्ते के अंदर अंदर क्लोज हो जाए, अर्जुन ने अरमान को भरोसा दिलाते हुए कहा। एपिसोड 425, नोक झोंक। अर्जुन की बात सुनकर तनुजा ने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं आपकी परेशानियां समझ सकती हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हालत को समझ रहे होंगे। मेरे डैड को बेवजह इतने साल जेल में रहना पड़ा, जबकि वो बेकसूर थे। अगर आप लोगों ने इस केस में अमित के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो मेरे डैड को इतना सफर ना करना पड़ता। मैं चाहती हूँ कि डैड जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी अब वो बूढ़े हो चुके हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अर्जुन को तनुजा की बात सुनकर उसके डैड के लिए बहुत अफसोस हो रहा था। हालांकि वो इतने सालों से इस केस का इंचार्ज नहीं था, ये केस पहले कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर हैंडल कर रहा था। मिस तनुजा, फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा कि ये केस जल्द से जल्द क्लोज हो जाए, भले ही इसके लिए मुझे ओवरटाइम ही क्यों ना करना पड़े, अर्जुन ने तनुजा को भरोसा दिलाते हुए कहा। वो सभी रात को हयात रेजेंसी होटल में ही रुक गए। अरमान ने होटल में 2 VIP हॉल्स बुक किए थे, जिनमें से एक हॉल में अमन, कृति और सिद्धार्थ रुकने वाले थे और दूसरे में तनुजा और अरमान। जैसे उन लोगों ने चेक इन किया तो अरमान और सिद्धार्थ आपस में बहस करने लगे। मुझे अपनी बहन के साथ रहना है, सिद्धार्थ ने कहा। इतना कहकर अपना सारा सामान लेकर सिद्धार्थ तनुजा और अरमान के रूम में आने लगा कि तभी अरमान ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे तुम्हारी बहन के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताना है, अरमान ने बेरुखी से कहा। तुम सारा वक्त मेरी बहन के साथ ही तो रहते हो, और अब वो प्रेग्नेंट भी है, कुछ वक्त उसे अकेला भी छोड़ दिया करो, सिद्धार्थ ने झट से कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर तनुजा का चेहरा लाल पड़ गया था। सिद्धार्थ, अभी तुम छोटे हो, तुम जहाँ रहना है वहाँ रह सकते हो, तनुजा ने सिद्धार्थ से मुस्कुराते हुए कहा। तनुजा, तुम ये क्या कह, अरमान हैरान होते हुए धीमी आवाज में बोला। जीजा जी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते, सिद्धार्थ ने मासूम सा चेहरा बनाया। सिद्धार्थ के मुंह से जीजा जी शब्द सुनकर अरमान दंग रह गया। सिद्धार्थ ने इससे पहले कभी भी अरमान को जीजा जी कहकर नहीं बुलाया था, जरूर इसके पीछे सिद्धार्थ का कोई प्लान था। अरमान मुड़कर तनुजा के चेहरे की तरफ देखने लगा। इस वक्त तनुजा भी सिद्धार्थ की इस हरकत से हैरान थी। तभी तनुजा ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, अरमान तुम्हें पसंद करता है। ठीक है, तो फिर आज मैं हम दोनों के साथ ही रहूंगा। वैसे भी मुझे वहाँ दूसरे रूम में उस लॉयर के साथ नहीं रहना, वो एक लड़की है और मैं उसे इतने अच्छे से नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करे, सिद्धार्थ ने कहा। इसके बाद सिद्धार्थ थोड़ी देर चुप रहा, फिर आगे बोला, तनुजा वैसे भी हम दोनों को मिले बहुत वक्त हो गया है, पर हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया। ये हम दोनों के लिए अच्छा मौका है, मैं भी तो देखूं जरा अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर कैसा लगता है। तनुजा सिद्धार्थ की बात सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो फिर आज रात तुम मेरे पास रुक जाओ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। थैंक यू, तुम वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर हो। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अरमान को चिढ़ाने के लिए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर वो जल्दी से उस हॉल के अंदर आ गया। उसने अपने लिए ग्राउंड फ्लोर वाला रूम सिलेक्ट किया था। अरमान दरवाजे पर ही खड़ा सिद्धार्थ को घूर रहा था। तभी तनुजा अरमान के पास आकर उसकी शर्ट का बटन लगाते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में सिद्धार्थ पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, अरमान ने तनुजा की बात से इनकार कर दिया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि सिद्धार्थ तुम्हारा छोटा भाई है। तनुजा थोड़ी देर अरमान की शक्ल देखती रही, फिर वो जोर से हंसते हुए बोली, झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। अरमान ने डिसाइड किया कि वो तनुजा को सच बता देगा। देखो तनुजा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा भाई पसंद नहीं, मुझे वो हर चीज पसंद है जो तुमसे जुड़ी है। मैं बस तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता था। वैसे भी मुझे अपने बेबी से अकेले में बात करनी थी, कुछ वक्त बाद वो भी इस दुनिया में आने वाली है। तनुजा ने गहरी सांस ली और बोली, अरमान मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर हम दोनों की अपनी अपनी फैमिलीज हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर वक्त एक दूसरे के साथ रहें। सिद्धार्थ ठीक ही तो कह रहा है, मैं उसे जब से मिली हूँ हम दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं, आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसे खोना नहीं चाहती, इससे मैं सिद्धार्थ को और अच्छे से जान पाऊंगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, इतना कहकर अरमान तनुजा के सिर पर हाथ फेरने लगा। वैसे तो मैं कभी भी दीपिका के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहूंगा,
तनुजा को मन ही मन दीपिका के लिए बहुत बुरा लगा। बेचारी दीपिका। तनुजा सचमुच सिद्धार्थ को अच्छे से जानना चाहती थी। डिनर करने के बाद सिद्धार्थ सोफे पर बैठा मूवी देखते हुए नोटपैड में कुछ नोट्स बना रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? तनुजा सिद्धार्थ के पास आई और बोली, ये फिल्म इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई है। मैं इसके बारे में स्टडी करके नोट्स बनाना चाहता हूँ ताकि इस फिल्म से कुछ सीख सकूं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तनुजा बहुत खुश थी कि सिद्धार्थ अपने करियर को लेकर इतना पैशनेट है। सिद्धार्थ, वैसे ये बताओ, तुम डायरेक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? बचपन में मैं अक्सर मदर इंडिया के साथ फिल्म की शूटिंग देखने जाया करता था। वहाँ डायरेक्टर्स को मूवी डायरेक्ट करते देख मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा ही कुछ करूंगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मदर इंडिया? तनुजा सिद्धार्थ को छेड़ते हुए बोली। हाँ, तुम्हारी मॉम, सिद्धार्थ ने कहा। मेरी मॉम? वो तुम्हारी भी तो मॉम है, तनुजा हंसते हुए बोली। तभी तनुजा ने गहरी सांस ली। वो समझ सकती थी कि सिद्धार्थ को उसे दीदी कहने में शर्म आती है। पर सिद्धार्थ नीरजा को क्यों मदर इंडिया कह रहा था? पर तुम मॉम को मदर इंडिया क्यों कह रहे हो? तनुजा ने सोचते हुए कहा। मैं बचपन से ही मॉम को मदर इंडिया कहकर बुलाता हूँ। उन्हें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है, मॉम सच में बुरा खाना बनाती हैं। वो मुझे जबरदस्ती घिया और बैंगन खिलाती थी। मॉम अक्सर अपना रूम साफ नहीं करती थी और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती थी। मॉम बहुत जिद्दी भी है, सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तनुजा ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, मुझे नहीं पता था कि मॉम असल में ऐसी हैं। इतना कहकर तनुजा सिद्धार्थ के बालों पर हाथ फेरने लगी। सचमुच बचपन में मॉम ने तुम्हें बैंगन और घिया खिलाकर बहुत टॉर्चर किया होगा। सिद्धार्थ के बाल घने, काले और बहुत ही सिल्की थे। तनुजा को ऐसा करते देख सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसने तनुजा की तरफ नजरें उठाकर देखा। इस वक्त तनुजा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में अपने छोटे भाई के लिए प्यार साफ दिख रहा था। अचानक सिद्धार्थ ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और फिर नोटपैड में कुछ लिखने लगा। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरमान उन दोनों को एक साथ देखकर जोर से चिल्लाया। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। अरमान की आवाज से सिद्धार्थ और तनुजा डर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अरमान उनकी तरफ ही चला आ रहा था। अरमान आकर तनुजा और सिद्धार्थ के बीच में बैठ गया। सिद्धार्थ के पास अब सोफे के दूसरी साइड सरकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तनुजा प्रेग्नेंट है, थोड़ा ध्यान से, सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अरमान ने तनुजा का हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रख लिया। अगर तुम्हें किसी के सिर पर हाथ फेरना है तो तुम मेरे सिर पर फेर सकती हो, वैसे भी मेरे सिर में बहुत इचिंग हो रही है, अरमान झट से बोला। अरमान इस वक्त बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। ये सुनकर सिद्धार्थ दंग रह गया। वो गुस्से से बोला, वो मेरी भी बहन है, अगर वो मेरे सिर पर हाथ फेर रही है तो तुम्हें क्या बुराई लगती है? अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा सिर पर हाथ फेरे तो जाओ जाकर अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढो। अरमान ने इतना कहकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अटैचमेंट हो जाएगी तब तुम्हें पता लगेगा इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा था। तुम सिद्धार्थ को रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स मत करो, तुम्हें पता है ना अभी वो छोटा है, तनुजा अरमान को घूरते हुए देख रही थी। तनुजा, कॉलेज में डेटिंग करना आजकल आम बात है, क्या पता कॉलेज स्टार्ट होने पर सिद्धार्थ को भी अपने लिए कोई लड़की मिल जाए और हो सकता है कि कॉलेज खत्म होने से पहले ये भी उससे शादी करने को तैयार हो जाए। ये सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। वो सोच रहा था कि आखिर अरमान ये सब कैसे कह सकता है। तनुजा भी इस वक्त अरमान की बात से नाराज थी। वो नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ कॉलेज जाकर ऐसा कुछ भी करे। अच्छा, तुम दोनों बातें करना बंद करो और मूवी पर ध्यान दो, तनुजा झट से बोली। वो तीनों चुपचाप बैठकर मूवी देखने लगे। तनुजा को मूवी बहुत पसंद आई। मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और प्लॉट्स थे, जबकि दूसरी तरफ अरमान वो मूवी देखकर बोर हो रहा था। बोर होने की वजह से उसे नींद आने लगी थी। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चलो कुछ और देखते हैं, अरमान झट से बोला और रिमोट उठाकर चैनल चेंज करने लगा। कुछ देर बाद अरमान ने तनुजा की तरफ देखते हुए कहा, चलो कोई पेट्रियोटिक मूवी देखते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखी थी। ये सुनकर तनुजा का चेहरा उतर गया। बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की मूवीज ज्यादातर फेक होती हैं। लास्ट टाइम हमने जो मूवी देखी थी वो बहुत अच्छी थी, अरमान बोला। सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ कि तुम अमेरिका में पले बढ़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने कल्चर को भूल जाओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे देश को आजादी कैसे मिली थी।
एपिसोड 426 अरमान अंकल। अरमान की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह गया। इस वक्त अरमान किसी बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहा था। कहीं न कहीं ये बात सच भी थी। अरमान की अब उम्र होने लगी थी। थैंक यू अरमान, मुझे पता है कि हमारे देश को आजादी कैसे और कब मिली थी। मुझे तुमसे ये जानने की जरूरत नहीं है। वैसे अंकल, अगर आपको पेट्रियोटिक मूवीज देखने का इतना ही शौक है तो आप दोनों अपने रूम में जाकर देख सकते हैं, सिद्धार्थ ने अरमान को सजेशन देते हुए कहा। क्या तुमने अभी मुझे क्या कहकर बुलाया? सिद्धार्थ के मुंह से अंकल शब्द सुनकर अरमान को गुस्सा आ गया। तभी सिद्धार्थ ने अरमान को आंख मारते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहकर अंकल वाली फीलिंग आती है। ये सुनकर तनुजा जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम क्यों हंस रही हो? अरमान अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। अरमान ने सिद्धार्थ जैसा नॉटी लड़का अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। अगर वो सिद्धार्थ को दीपिका के साथ कंपेयर करे तो दीपिका सिद्धार्थ से बहुत बेहतर थी। अरमान की शक्ल देखकर तनुजा ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की और फिर वो बोली, अंकल कैसा रहेगा अगर आप अकेले ही अपने रूम में जाकर मूवी देखें? मुझे यहाँ अपने भाई के साथ वक्त बिताना है। तुम सिद्धार्थ की साइड ले रही हो, अरमान ने गुस्से से कहा। तनुजा का ये बिहेवियर अरमान के लिए बहुत ही इंसल्टिंग था। आखिर तनुजा अरमान की होने वाली वाइफ जो थी, चाहे जो भी हो उसे अरमान की साइड ही लेनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे पेट्रियोटिक मूवीज देखना पसंद नहीं है। अरमान, मुझे अपने देश से प्यार है पर मुझे लड़ाई देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसी मूवीज देखकर बोर हो जाती हूँ, तनुजा बोली। पर मेरे बर्थडे वाले दिन तो तुम बड़े मजे से मेरे साथ मूवी देख रही थी, अरमान हैरान होते हुए बोला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे वो मूवी देखने में मजा आ रहा था? तनुजा ने कहा। ये सुनकर अरमान थोड़ी देर तक कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मुझे याद नहीं, पर तुम्हें वो हर चीज पसंद आती है जो मुझे पसंद हो। वैसे भी मैं सारी हाई क्वालिटी मूवीज ही देखता हूँ। ज्यादातर मूवीज में कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। वैसे मुझे तुम्हारी तरह बचकानी मूवीज देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे बचकानी मूवीज ही पसंद है। तुम अपने रूम में जाकर अपनी मनपसंद मूवी देख सकते हो, तनुजा ने बेरुखी से कहा। तनुजा की बात सुनकर अरमान सोफे से उठा और अपना मुंह फुलाते हुए रूम में चला गया। तनुजा ने अरमान को जाने के लिए इसलिए कहा था ताकि अरमान और सिद्धार्थ आपस में बहस ना करें, और तनुजा कुछ वक्त सिद्धार्थ के साथ बिताना चाहती थी। लेकिन तनुजा का ये बिहेवियर अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। अपने रूम में जाकर अरमान ने दरवाजा बंद कर लिया। तभी सिद्धार्थ ने तनुजा से कहा, तुम्हें ये साइको ही मिला था क्या? मैं मानती हूँ कि अरमान थोड़ा पागल है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। एक बार जब तुम उसे जान जाओगे तो तुम्हें भी उसकी कंपनी अच्छी लगने लगेगी। वैसे भी अभी तुम ये सब बातें नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ है। जब तुम्हारी लाइफ में भी कोई लड़की आ जाएगी तब तुम्हें मेरी बातें समझ आने लगेंगी, तनुजा मुस्कुराते हुए बोली। तनुजा की बात सुनकर सिद्धार्थ चुप पड़ गया। उसका मानना था कि आज तक दुनिया में ऐसी कोई लड़की बनी ही नहीं है जिससे उसे प्यार हो जाए। मूवी देखते देखते रात के 10 बज गए। मूवी खत्म होते ही तनुजा अरमान के रूम की तरफ जाने लगी। रूम के पास जाने पर तनुजा को गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि अरमान बेड पर लेटा अकेला ही मूवी देख रहा था। तनुजा को देखकर अरमान ने उसे अंदर आने के लिए कहा और फिर वो तनुजा से मुंह फेर कर मूवी देखने लगा। इस वक्त अरमान शर्टलेस था, उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे। अरमान के ब्रॉड शोल्डर्स और मैस्कुलिन बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। तनुजा अरमान को देखकर मुस्कुराई और फिर अरमान के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? मेरा सच में तुम्हारे साथ पेट्रियोटिक मूवी देखने का बिल्कुल मन नहीं था। आजकल तनुजा का बॉडी टेम्परेचर प्रेग्नेंट होने की वजह से हाई रहता था। उसने जैसे ही अरमान के कंधे पर अपना हाथ रखा तो अरमान को उसकी बॉडी में गर्माहट सी महसूस हुई। अरमान ने तनुजा की तरफ देखा और बेरुखी से कहा, वादा करो अब तुम मुझे अंकल कहकर नहीं बुलाओगी। ये सुनते ही तनुजा अपनी हंसी नहीं रोक पाई और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। तनुजा ने बड़े ही प्यार से अपने दोनों हाथों से अरमान के गालों को पकड़कर खींचा और फिर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अरमान अंकल, मैं अभी यंग हूँ, मुझे रोमांटिक मूवीज देखना ज्यादा पसंद है। वॉर थीम्ड मूवीज मुझे बोरिंग लगती हैं।
मैंने तुम्हारे साथ वो मूवी इसलिए देखी थी क्योंकि उस दिन तुम्हारा बर्थडे था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम किसी भी बात से उदास हो जाओ। तनुजा की बात सुनकर अरमान बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे पेट्रियोटिक मूवीज बहुत पसंद थी। वो सोल्जर जो रह चुका था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तनुजा को ऐसी मूवीज क्यों पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अब सबका टेस्ट मेरे जितना अच्छा तो नहीं हो सकता ना। वैसे तुमने सिद्धार्थ की साइड लेकर अच्छा नहीं किया। तुम दोनों जो देख रहे थे वो कोई मूवी थी? इतनी बोरिंग वो मूवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, अरमान ने बेरुखी से कहा। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे लिए वो बोरिंग हो, पर मुझे तो वो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। मूवी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स थे जिन्हें समझने के लिए अपना दिमाग खुला रखना पड़ता है। और तुम्हें पता भी है वो मूवी कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट तक हो चुकी है, तनुजा ने कहा। तनुजा की बात सुनकर अरमान चुप पड़ गया। वो तनुजा की बात से सहमत नहीं था। उसके हिसाब से आजकल की जनरेशन को सिर्फ अपने काम करने का तरीका ज्यादा पसंद आता है। फॉरेनर्स को यही लगता है कि उनकी स्किल्स सबसे बेहतर हैं। फॉरेन में लोग अपना दिमाग लगाने के बजाय भेड़ चाल में चलते हैं। अरमान, मूवी और सीरियल्स को लेकर हम दोनों की पसंद बहुत अलग है। मुझे लगता है हमें एक साथ बैठकर टीवी नहीं देखना चाहिए, तनुजा ने आगे कहा। इतना कहकर तनुजा ने अरमान को उसके गाल पर किस किया और फिर वो शावर लेने बाथरूम में चली गई। जब तनुजा बाथरूम से बाहर निकली तो अरमान ने उसे घूरते हुए कहा, तनुजा अगर मैं अंकल बन भी गया तब भी मैं इतना ही हैंडसम रहूंगा। तनुजा ने जैसे ही अरमान की हैंडसम अंकल वाली बात सुनी तो उसे हंसी आने लगी। तनुजा को हंसते देख अरमान उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, भले ही तुम्हारा टेस्ट मेरे जैसा यूनिक ना हो, पर फिर भी मैं तुम्हें टॉलरेट कर लूंगा। वैसे भी अब मैंने तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहने का फैसला जो कर लिया है, अब से मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों साथ बैठकर रोमांटिक मूवीज देखें। तनुजा ने अरमान की बात सुनकर आगे कुछ नहीं कहा। वो खुश थी कि अरमान उसके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, पर साथ ही साथ अरमान ने उसकी बेइज्जती करते हुए जो कुछ भी कहा उस वजह से तनुजा का मन कर रहा था कि वो अरमान का गला दबा दे। ठीक है अरमान, मुझे लगता है अब हमें सोना चाहिए, ऐसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतना कहकर तनुजा ने अरमान को हग किया और अपना एक हाथ अरमान के मुंह पर रख लिया ताकि वो बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाए। अगली सुबह तनुजा और अरमान 8 बजे तक उठ गए थे। 9 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व हो गया था। तनुजा और अरमान रेडी होकर हॉल में आ गए, पर सिद्धार्थ अभी तक सो रहा था। मैं उसे उठाकर आता हूँ, अरमान चेयर से उठा और बोला। सिद्धार्थ जैसा जवान लड़का इतनी देर तक सो सकता है? जब मैं यंग था तो मैं सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग पर जाया करता था, अरमान ने कहा। अरमान हर बात पर सिद्धार्थ से कंपटीशन ही कर रहा था। कोई बात नहीं अरमान, वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, उसे कुछ और देर सोने दो ना, तनुजा ने कहा। और फिर अरमान का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने पास बिठा लिया। तनुजा, तुम इस लड़के को बिगाड़ दोगी, वैसे भाई तो परेशान करने के लिए ही होते हैं, और यहाँ तुम अपने भाई को सिर पर चढ़ा रही हो, अरमान ने कहा। तुम बेफिक्र होकर ब्रेकफास्ट करो, तनुजा बोली। तनुजा ने पराठे का एक और टुकड़ा अरमान के मुंह में डालते हुए उसे चुप करवा दिया। अरमान ने पराठा खाकर तनुजा की तरफ घूरते हुए देखा। तनुजा ने दूध का गिलास उठाया और दूध का एक घूंट पीते हुए अरमान की तरफ देखा। दूध का फोम तनुजा के होठों के आसपास लगा हुआ था। अरमान ने अपनी नजरें झुकाई और फिर तनुजा के होठों से फोम साफ करते हुए उसके माथे को चूमा। अरमान को ऐसा करते देख तनुजा शर्मा गई। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। तनुजा ने अरमान का हाथ कसकर पकड़ लिया। इस वक्त तनुजा को डर भी लग रहा था क्योंकि सिद्धार्थ भी उनके साथ वाले रूम में ही था। अरमान, तुम ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, तनुजा ने कहा। तुम डरो मत, तुम्हारा भाई लंच टाइम से पहले नहीं उठने वाला, इतना कहकर अरमान तनुजा को दोबारा किस करने में बिजी हो गया। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत था। सूरज की किरणें खिड़की से होकर तनुजा और अरमान के चेहरे पर पड़ रही थीं। बाहर पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे और यहाँ टेबल पर अरमान ने तनुजा को अपनी बाहों में भरा हुआ था। कुछ ही देर में तनुजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस खूबसूरत लम्हे को महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अरमान ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। क्या तुम्हें ये सब करने के लिए यही जगह मिली थी? अचानक उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी।
ये सुनते ही तनुजा ने हड़बड़ाते हुए अरमान को धक्का देकर खुद से दूर किया। अरमान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तनुजा ने उसे इतनी जोर से पीछे की ओर धकेला कि वो बेचारा बैलेंस बिगड़ने की वजह से जमीन पर जा गिरा। तभी सिद्धार्थ अरमान के पास आया और उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? तनुजा ने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया। इस वक्त सिद्धार्थ को वहाँ देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसे इस तरह देखे, जिस वजह से हड़बड़ी में उसने अरमान को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। तुम तो सो रहे थे, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गए? अरमान ने हड़बड़ाते हुए कहा। अरमान जमीन से उठा और उसने अपनी नजरें झुका ली। यही वजह थी कि अरमान कल रात सिद्धार्थ को तनुजा और उसके साथ नहीं रहने देना चाहता था। अरमान साथ ही साथ हैरान भी था कि तनुजा के धक्का देने से वो जमीन पर गिर गया। तनुजा पहले से बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तनुजा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। तुम दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि तुम्हें मेरे पैरों की आहट तक नहीं सुनाई दी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? सिद्धार्थ इतना कहकर चेयर पर बैठ गया। उसने ब्रेड पर बटर लगाते हुए आगे कहा, वैसे तुम इतने स्ट्रांग होकर भी तनुजा के धक्का मारने से जमीन पर गिर गए। एपिसोड 427, स्विमिंग कंपटीशन। अरमान बेरुखी से हंसी हंसते हुए बोला, तुम मेरी फिक्र मत करो, अगर ये धक्का तनुजा ने तुम्हें दिया होता तो तुम न जाने कितनी दूर जाकर गिरते। तभी सिद्धार्थ ने अरमान को चिढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है, अपने इस कमजोर फिजिक के लिए तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तनुजा, तुम्हारा भाई मुझे न जाने क्या क्या कह रहा है, अब तुम इसे कुछ नहीं कहोगे क्या? अरमान तनुजा को घूरते हुए बोला। तनुजा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो नहीं चाहती थी कि इस वक्त सिद्धार्थ के सामने अरमान की बेइज्जती हो, इसलिए तनुजा ने अरमान की साइड लेते हुए कहा, मैं पहले से स्ट्रांग हो चुकी हूँ, अब तो मैं अरमान को अपनी गोद में भी उठा सकती हूँ। अरमान बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिर गया था। ये सुनकर सिद्धार्थ दंग रह गया। तनुजा को अरमान की साइड लेते देख सिद्धार्थ झट से बोला, तो फिर ठीक है, अरमान आगे से जब भी तुम तनुजा को परेशान करोगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ये सुनकर तनुजा ने अपनी नजरें झुका ली। तभी अरमान ने मुस्कुराते हुए तनुजा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे खुशी है कि मेरी होने वाली वाइफ इतनी स्ट्रांग है। तनुजा, तुम में हाथ ही जितनी ताकत आ गई है। क्या अरमान तनुजा को कुछ अच्छा कहकर नहीं बुला सकता था? वो बेचारी खुद को हाथी के साथ कंपेयर होता देख उदास हो गई। सिद्धार्थ भी इस वक्त ब्रेकफास्ट करते हुए अरमान की बात पर हंस रहा था। इसके बाद अरमान चेयर पर बैठकर तनुजा के लिए बॉइल्ड एग्स छीलने लगा। अरमान ने जैसे ही तनुजा को एग खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो तनुजा ने उसे रोक दिया। तनुजा चाहती थी कि वो खुद अपने हाथों से खाना खाए, क्योंकि इस वक्त उसका छोटा भाई उसके सामने ही बैठा था। उन दोनों को देखकर सिद्धार्थ का अब सिर दर्द करने लगा। अरमान तनुजा को किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। क्या तुम दोनों थोड़ा मैच्योरली बिहेव नहीं कर सकते? सिद्धार्थ ने कहा। ये सुनकर तनुजा का चेहरा लाल पड़ गया। अचानक अरमान बोला, बेटा एक बार तुम रिलेशनशिप में आकर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें अपने पार्टनर के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता, ना ही तुम्हारे लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? सिद्धार्थ ने उदास होकर कहा। इतना कहकर सिद्धार्थ ने तनुजा की तरफ देखा और आगे कहा, तनुजा देखो ना, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि अरमान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम अरमान की बातों पर ध्यान मत दो, लाओ मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बॉइल्ड एग्स छील देती हूँ। तनुजा ने जैसे ही एग छीलकर सिद्धार्थ की तरफ देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी अरमान ने एग तनुजा के हाथ से छीनते हुए अपने मुंह में डाल लिया और कहा, तनुजा के हाथ से छिले हुए एग्स बहुत टेस्टी होते हैं, वाह मजा आ गया। इस वक्त अरमान के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अरमान की इस हरकत पर तनुजा और सिद्धार्थ दंग रह गए। अरमान सच में तनुजा के प्यार में अंधा हो चुका था। अभी तक पुलिस स्टेशन से केस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। अरमान ने भी ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। उस दिन शाम को उन लोगों के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो होटल में ही रहेंगे। तनुजा सिद्धार्थ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतनी बेताब थी कि वो सारा दिन सिद्धार्थ के आगे पीछे घूमती रही।
जब तनुजा ने देखा कि सिद्धार्थ अपने फोन में गेम्स खेल रहा है तो वो उसके पास आई और बोली, सिद्धार्थ तुम ये कौन सी गेम खेल रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ ये गेम खेल सकती हूँ? मैं रूल्स ऑफ पबजी खेल रहा हूँ। ये गेम तो मेरे फोन में भी है, मैं अक्सर इसे खेलती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी, तनुजा ने कहा। वो तीनों बाहर गार्डन में बैठे थे। अरमान उन दोनों को दूर से पेड़ के छांव में बैठा देख रहा था। उसे इस वक्त बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी अरमान ने कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था तुम्हें गेम खेलना पसंद नहीं है, तनुजा ने कहा। तभी अरमान ने प्यार भरी नजरों से तनुजा की तरफ देखते हुए कहा, तुम सिद्धार्थ को जानना चाहती हो तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सिद्धार्थ के साथ टाइम स्पेंड करके उसे थोड़ा अच्छे से जान लूं। अरमान की बात सुनकर तनुजा खुश हो गई। उसने अरमान को भी अपने साथ गेम खेलने के लिए कहा। पर कुछ देर बाद ही तनुजा को अपने इस फैसले पर अफसोस होने लगा। अरमान इस वक्त गेम खेलते हुए बहुत नखरे दिखा रहा था। मुझे तुम दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा, ये तो बहुत ही बोरिंग है, मैं इतनी देर से बस इधर उधर ही भागता जा रहा हूँ। ओह, मैं तो आउट हो गया। तनुजा, सचमुच ये गेम बहुत ही बोरिंग है, क्या हम दोनों थोड़ी देर गार्डन में वॉक करने चलें? अरमान ने पूछा। अचानक अरमान ने तनुजा के हाथ से फोन छीना और उसे अपने साथ गार्डन के अंदर ले जाने लगा। तनुजा को अरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इस वक्त गेम में बिजी थी और अरमान ने गेम खराब कर दिया था। तभी सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और तनुजा से कहा, प्लीज अरमान को यहाँ से ले जाओ। अरमान ने सिद्धार्थ और तनुजा की नाक में दम कर दिया था। वो दोनों उससे तंग आ चुके थे। कुछ ही देर में अरमान और तनुजा वहां से चले गए। सिद्धार्थ गेम खेलकर अब थक चुका था। उसने रूम में जाकर शॉर्ट्स पहने और फिर स्विमिंग करने चला गया। तभी अचानक तनुजा सिद्धार्थ के पास आई। सिद्धार्थ को पूल में स्विमिंग करते देख तनुजा को सुकून सा मिल रहा था। सिद्धार्थ अभी अरमान से बहुत छोटा था, पर उसकी बॉडी दिखने में मस्कुलर थी। तनुजा ने सिद्धार्थ से कहा, क्या तुम फ्रूट्स खाओगे? सिद्धार्थ ने पानी में डुबकी लगाते हुए तनुजा की तरफ अपनी नजरें घुमाई। सिद्धार्थ के बाल गीले होने की वजह से उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से सिद्धार्थ और भी हैंडसम लग रहा था। सिद्धार्थ ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरमान कहाँ है? वो अपने रूम में कुछ काम कर रहा है, तनुजा मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने फ्रूट्स खाने के लिए अपना सिर हाँ में हिला दिया। तनुजा सिद्धार्थ का कुछ वक्त बड़ी बहन की तरह ख्याल रखना चाहती थी। तनुजा ने अंदर जाकर सिद्धार्थ के लिए बहुत से फ्रूट्स काटकर उन्हें एक बोल में रख लिया। फिर तनुजा फ्रूट्स बोल लेकर आई और सिद्धार्थ को हाथ से इशारा करके अपने पास आने को कहा। सिद्धार्थ स्विमिंग करते हुए तनुजा के पास आने लगा। पूल से बाहर आकर सिद्धार्थ ने जैसे ही फ्रूट बोल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक तनुजा के पीछे से आकर किसी ने तनुजा के हाथ से वो बोल छीन लिया। तनुजा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें पता था कि मैं अपने रूम में काम कर रहा हूँ, इसलिए तुमने मेरे लिए फ्रूट्स काट कर रखे, अरमान बोला। अरमान बोल से फ्रूट्स को बड़े बड़े स्लाइस लेकर खाने लगा। तनुजा अरमान को ऐसा करते देख हैरान रह गई। मैं ये फ्रूट्स सिद्धार्थ के लिए लाई थी, तनुजा बेरुखी से बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, तो अब भाई मिल जाने पर तुम मुझे भूलती जा रही हो, अरमान ने कहा। तनुजा की बात से अरमान उदास हो गया। अरमान का उतरा हुआ चेहरा देखकर तनुजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ के लिए भी फ्रूट्स बचा देना। अरमान ने कुछ ही वक्त में फ्रूट्स का बोल आधा कर दिया था। एंड में बोल में गिने चुने फ्रूट्स ही बचे थे। सिद्धार्थ को अरमान पर गुस्सा आने लगा था। वो अरमान को घूर कर देख रही थी। तभी अरमान ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बचाया ही नहीं, बाउल में अभी भी बहुत से फ्रूट्स हैं। वैसे भी आज गर्मी बहुत ज्यादा है, फ्रूट्स खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिद्धार्थ ने गुस्से से वो बोल अरमान के हाथ से छीन लिया। अरमान जैसे ही सिद्धार्थ को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा तो तनुजा ने इशारे से उसे चुप करा दिया। तुम वैसे भी बहुत खा चुके हो, कुछ सिद्धार्थ के लिए भी छोड़ दो, तनुजा बोली। ठीक है, तुम स्विमिंग कर रहे थे ना, मैंने भी बहुत वक्त से स्विमिंग नहीं की है, सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो जाए, अरमान ने सिद्धार्थ से पूछा। इतना कहकर अरमान जल्दी से अपने रूम में गया और शॉर्ट्स पहनकर पूल साइड पर आ गया। अरमान की बॉडी के सामने सिद्धार्थ की बॉडी कुछ भी नहीं थी। अरमान ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा,
अगर तुम्हें किसी लड़की का दिल जीतना है तो तुम्हें भी मेरी तरह अपने मसल्स बनाने होंगे। देखो तो मेरे सामने तुम कितने कमजोर लग रहे हो। सिद्धार्थ ने फ्रूट्स खाए और कुछ बचाकर बोल तनुजा के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, ये लो तुम भी खा लो, वैसे भी इतने सारे फ्रूट्स काटकर तुम थक गई होंगी। सिद्धार्थ की बात से तनुजा की आंखों में चमक आ गई। उसने सिद्धार्थ के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम बहुत अच्छे हो। इतना कहकर तनुजा अपने पीछे खड़े अरमान को घूरते हुए बोली, तुम दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं हो, जिन्हें सिर्फ अपनी फिक्र होती है। अरमान तनुजा का इशारा समझ चुका था। वो शर्मिंदा होकर सिद्धार्थ की तरफ देख रहा था। अरमान मन में सोच रहा था कि काश वो पहले ही तनुजा को फ्रूट्स खाने के लिए पूछ लेता तो उसे सिद्धार्थ के सामने इस तरह शर्मिंदा ना होना पड़ता। तनुजा, मैं भी तुम्हारे लिए फ्रूट्स बचाना चाहता था, पर सिद्धार्थ ने आकर मुझसे बोल छीन लिया। अब तुम्हें बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, अरमान उदास होकर बोला। अरमान खुद को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुम आधे से ज्यादा बोल खत्म कर चुके थे, अगर मुझे आने में थोड़ी देर और हो जाती तो तुम तो सारे फ्रूट्स चट कर जाते। वैसे भी मेरी सलाह मानो तो किसी लड़की के प्यार को जीतने के लिए अगर तुम उसे अपनी बॉडी से इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी डाइट थोड़ी कम कर देनी चाहिए, नहीं तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी तोंद निकल आएगी, सिद्धार्थ ने अरमान का मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सुनते ही अरमान पूल में कूद गया और बोला, चलो रेस लगाते हैं, इसके बाद में तनुजा के लिए अपने हाथों से फ्रूट्स काटूंगा मैं, मुझे तुम्हारे साथ कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने इतरा कर अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा। कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा, अरमान बोला। अच्छा तो ये बात है, इतना कहकर सिद्धार्थ भी पूल में कूद गया। इन दोनों की नोक झोंक के बीच तनुजा का सिर दर्द करने लगा। उसे डर था कहीं दोनों रेस के चक्कर में खुद को चोट न पहुंचा लें। जरा ध्यान से, तनुजा ने कहा। तुम फिक्र मत करो तनुजा, मैं बस स्विमिंग करते हुए तुम्हारे भाई के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ ताकि मैं उसे अच्छे से जान सकूं, अरमान तनुजा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। तनुजा जानती थी कि अरमान एक अच्छा स्विमर है, पर सिद्धार्थ भी कुछ कम नहीं था। सिद्धार्थ के स्टैमिना की वजह से उसने अरमान को बहुत पीछे छोड़ दिया। सिद्धार्थ को लग रहा था कि वो अरमान से जीत जाएगा, पर अरमान को स्विमिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। अरमान ने अपनी स्पीड बढ़ाई और पलक झपकते ही वो पूल के एंड तक पहुंच गया। अरमान बड़ी फुर्ती के साथ पूल से बाहर निकला और किनारे पर बैठकर सिद्धार्थ के आने का इंतजार करने लगा। एपिसोड 428, बेटे से मुलाकात। कुछ देर बाद सिद्धार्थ पूल के किनारे पहुंचकर अरमान को पीछे मुड़कर ढूंढने लगा, पर उसने जैसे ही सामने की तरफ नजरें घुमाई तो देखा कि अरमान पूल के किनारे पर पहले ही पहुंच चुका है। अरमान अपना सीना चौड़ा करते हुए सिद्धार्थ को ठेंगा दिखा रहा था। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे से पानी की बूंदों को हाथ से साफ किया और अरमान की तरफ उदास होकर देखने लगा। उसे अरमान से हारकर बहुत बुरा लग रहा था। सिद्धार्थ का उतरा चेहरा देखकर तनुजा धीरे से चलकर अरमान के पीछे आई और उसने अरमान को स्विमिंग पूल में धकेल दिया। ये देखकर सिद्धार्थ हंसने लगा। पूल में गिरने की वजह से पानी के छींटे तनुजा और सिद्धार्थ पर पड़े। तभी अरमान ने तनुजा को घूरते हुए देखा। तनुजा, तुमने मुझे पूल में धक्का क्यों दिया, अरमान बोला। सिद्धार्थ ने इतने साल तुम्हारी तरह आर्मी की ट्रेनिंग नहीं ली है, और वैसे भी अभी वो तुमसे उम्र में बहुत छोटा है, तुम्हें स्विमिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुमने उसे आसानी से हरा दिया, इसलिए तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तनुजा ने कहा। इतना कहकर तनुजा वहां से जाने लगी। तनुजा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स भी काट दूंगा, अरमान पूल से बाहर निकलकर तनुजा के पीछे पीछे चलने लगा। सिद्धार्थ ने उन दोनों की तरफ देखकर गहरी सांस ली। अरमान और तनुजा हमेशा झगड़ते रहते थे, वहीं सिद्धार्थ को शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। सिद्धार्थ ने सोचा था कि वो अरमान और तनुजा के बीच में आकर अरमान को चिढ़ाएगा, पर अब तो वो भी अरमान की हरकतों से तंग आ चुका था। पहले सिद्धार्थ को शक था कि अरमान तनुजा को अच्छे से ट्रीट नहीं करता होगा, पर अब एक दिन उन दोनों के साथ बिताकर वो जान गया था कि तनुजा भी अरमान जैसी ही है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। यहाँ अरमान किचन में जाकर तनुजा के लिए कुछ फ्रूट्स काटने लगा। तनुजा चेयर पर बैठी विंडो से बाहर सिद्धार्थ को देख रही थी। मैं कुछ वक्त अपने भाई के साथ बिताना चाहती थी, पर तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, तनुजा उदास होकर अरमान से बोली।
मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ्री टाइम में तुम्हारे साथ रहूं। वैसे भी अब तो ये मेरी आदत बनती जा रही है। अगर तुम्हें अपने भाई के साथ वक्त बिताना है तो तुम उसके पास जा सकते हो, मैंने कभी तुम्हें नहीं रोका, अरमान ने कहा। अरमान, तुम नहीं सुधरोगे। थोड़ी देर पहले जब मैं सिद्धार्थ के साथ गेम खेलने के बहाने टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तब तुम मुझे गार्डन में वॉक के लिए ले गए, और यहाँ स्विमिंग पूल में जब मैंने सोचा कि मैं कुछ वक्त उसके साथ बिताऊंगी, तब भी तुमने वहां आकर सब बिगाड़ दिया। तनुजा मन ही मन बड़बड़ाई। ये सोचकर तनुजा ने अपना सिर पकड़ लिया। तनुजा ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी कि आगे चलकर उसे सिद्धार्थ के साथ वक्त बिताने के बहुत से मौके मिलेंगे। लंच के वक्त कृति और अमन भी अरमान और तनुजा के पास आ गए। सिद्धार्थ भी तनुजा के पास ही खड़ा था। तभी सिद्धार्थ ने अमन से कहा, मैं शाम को तुम्हारे साथ वाले रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। ये सुनकर तनुजा हैरान रह गई। उसे सिद्धार्थ की फिक्र होने लगी थी। वो सोच रही थी कि सिद्धार्थ ने अचानक ये फैसला क्यों लिया होगा। क्या हुआ, सब ठीक है ना, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ बहुत शोर है, सिद्धार्थ बोला। इतना कहकर सिद्धार्थ अपने रूम में अपना सामान पैक करने चला गया। मैंने तो पहले ही कहा था तुम उसे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना, वैसे भी आजकल की जेनरेशन को शांत माहौल पसंद आता है। तुमने सारा दिन सिद्धार्थ के आगे पीछे घूमकर उसे परेशान कर दिया, अरमान तनुजा को ब्लेम करते हुए बोला। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अरमान से क्या कहे। आखिर अरमान ऐसा कैसे कह सकता था। कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता था कि सिद्धार्थ अरमान की वजह से अपना रूम चेंज कर रहा है। कुछ ही देर में सूरज ढल गया। शाम को सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अमन ने सबको ये गुड न्यूज दी। परमिंदर सर को जेल से बाहर निकालकर इंटरोगेशन रूम में लाया गया है। इंस्पेक्टर अर्जुन परमिंदर सर से पूछताछ कर रहे हैं। ये गुड न्यूज सुनते ही तनुजा और बाकी सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जब वो लोग वहां पहुंचे तो परमिंदर इंटरोगेशन रूम से बाहर आ रहा था। परमिंदर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। हो सकता है पुलिस ने परमिंदर से कुछ ऐसे सवाल पूछे हों जिसकी वजह से उससे गुस्सा आ गया हो। तनुजा को वहां अचानक देखकर परमिंदर का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने तनुजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तनुजा, तुम इस वक्त यहाँ, परमिंदर हैरान होते हुए बोला। लेकिन उसने जैसे ही सिद्धार्थ को तनुजा के पीछे खड़ा पाया तो वो दंग रह गया। पिछली बार परमिंदर ने गलती से अरमान को सिद्धार्थ समझ लिया था, इसलिए वो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। परमिंदर का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने हिचकिचाते हुए तनुजा से पूछा, तनुजा क्या ये। तभी सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर लिया। सिद्धार्थ इस वक्त बहुत इमोशनल था। उसके मन में बहुत सी बातें घूम रही थी। वो अपने इमोशंस तक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी उसने अपनी आंखों से आंसू नहीं बहने दिए। डैडी, सिद्धार्थ है आपका बेटा, तनुजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सिद्धार्थ, परमिंदर बोला। इस वक्त परमिंदर की आंखों में नमी थी। अचानक परमिंदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे तनुजा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। परमिंदर ने कितने लंबे वक्त से सिद्धार्थ को नहीं देखा था, और आज सिद्धार्थ को अपने पास पाकर वो खुश होने के साथ साथ बहुत हैरान भी था। उसने दो कदम सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाए ताकि उसे अपने गले से लगा सके, पर सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर लिया और परमिंदर से कुछ कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ की आंखों में परमिंदर के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। अगर सिद्धार्थ का बस चलता तो वो कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं आता। वो परमिंदर से बहुत नाराज था। ये मत समझना कि मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ, मैं आपको अपना डैड नहीं मानता। तनुजा ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था ताकि आप एक बार मेरा चेहरा देख सकें, क्योंकि आप इतने सालों से अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहे थे, सिद्धार्थ बेरुखी से बोला। सिद्धार्थ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर परमिंदर का दिल टूट गया। उसने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर मुझे लगा था कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अबॉर्ट कर दिया है। ये मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरे डैड हैं। मॉम और आपके बीच जो कुछ भी हुआ वो मैं जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपको कभी डैड कहकर नहीं बुलाऊंगा। मुझे आपका बेटा बनने का कोई शौक नहीं है, सिद्धार्थ ने बेरुखी से कहा। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से जाने लगा। सिद्धार्थ सुनो, परमिंदर चिल्लाया। परमिंदर ने सिद्धार्थ के पीछे जाने की कोशिश की, पर वहां खड़े पुलिस ऑफिसर्स ने उसे रोक लिया। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, आप इस तरह से यहां से नहीं जा सकते, अर्जुन ने कहा। परमिंदर सिद्धार्थ का नाम लेते हुए रोने लगा।
उसने अर्जुन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। डैड आप फिक्र मत कीजिए, जेल से बाहर आने के बाद आप अपने और सिद्धार्थ के बीच की गलतफहमियां दूर कर सकते हैं, तनुजा ने परमिंदर का हाथ पकड़ते हुए कहा। अब मुझे अपने बेटे के सामने जाने में शर्म आती है। सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने आज तक उसके लिए किया ही क्या है, परमिंदर उदास होते हुए बोला। तनुजा मैं समझ गया हूँ कि अमित ने मेरी फैमिली से बदला क्यों लिया। सारी गलती मेरी ही है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी फैमिली को एक दूसरे से अलग कर दिया, मेरी वजह से तुम्हें इतने दुख झेलने पड़े। मुझे नहीं पता था कि कविता इतनी बुरी है। मुझे उसका सहारा लेकर तुम्हारी मॉम को जेलस फील करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैं बस चाहता था कि तुम्हारी मॉम मेरी फिक्र करें। नीरजा को जेलस फील कराने के चक्कर में मैंने उसे बहुत चोट पहुंचाई है, परमिंदर ने आगे कहा। तनुजा ने परमिंदर की बात सुनकर एक गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो परमिंदर से क्या कहे। जो कुछ भी हुआ तनुजा वो बदल तो नहीं सकती थी, ना ही वो परमिंदर से रिश्ता तोड़ सकती थी। तनुजा तुम्हें तुम्हारा भाई तो मिल गया, पर तुम्हारी मॉम कहाँ है, परमिंदर हड़बड़ाते हुए बोला। उसकी नजरें नीरजा को ही ढूंढ रही थीं। परमिंदर इधर उधर देखते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। वो नीरजा के सामने अच्छा दिखना चाहता था। तभी तनुजा ने परमिंदर से कहा, डैड मॉम हमारे साथ नहीं आई है। ये बताते हुए तनुजा को अपने दिल में चुभन सी महसूस हुई। उसे परमिंदर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तनुजा की बात सुनकर परमिंदर का चेहरा उतर गया। तुम्हारी मॉम मुझसे नफरत करती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है? परमिंदर को इतने सालों से यही डर सताता रहता था कि कहीं नीरजा ने दूसरी शादी ना कर ली हो। उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये सवाल तनुजा से पूछा था। इस वक्त तो वो बहुत घबराया हुआ था। नहीं, मॉम ने आज तक दूसरी शादी नहीं की, तनुजा ने कहा। तनुजा की बात सुनकर परमिंदर ने राहत की सांस ली। आखिर नीरजा ने इतने साल किसी और आदमी से शादी क्यों नहीं की थी? क्या वो अब भी परमिंदर को ही चाहती थी? परमिंदर के मन में बहुत सी बातें घूम रही थीं। उसे ये तो नहीं पता था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला था, पर तनुजा की बात सुनकर उसे आशा की एक किरण जरूर नजर आ रही थी। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारी मॉम दिखती कैसी है? वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, अभी भी तुम्हारी मॉम दिखने में बहुत यंग होगी ना, परमिंदर ने कहा। रुको मैं आपकी मॉम की पिक्चर दिखाती हूँ, तनुजा ने इतना कहकर अपने फोन में नीरजा की फोटो निकाली और परमिंदर को दिखाने लगी। जैसे ही परमिंदर ने नीरजा की फोटो देखी तो उसकी आंखें भर आईं। परमिंदर फोन की स्क्रीन को छूकर नीरजा की फोटो देख रहा था। तुम्हारी मॉम आज भी कितनी यंग दिखती है, बिल्कुल पहले जैसी। तुम्हारी मॉम सच में बहुत सुंदर है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, नीरजा के लिए अब मैं परफेक्ट मैच नहीं हूँ। इसके बाद परमिंदर ने तनुजा के हाथ में फोन पकड़ा दिया। 20 साल पहले परमिंदर कॉलेज में प्रोफेसर था, उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था। परमिंदर उस वक्त बहुत हैंडसम भी था, जबकि नीरजा उम्र में परमिंदर से बहुत छोटी होने के साथ साथ अनाथ भी थी। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। परमिंदर अब जेल में था और नीरजा अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत और यंग थी। लोग सही कहते हैं, वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। क्या ये परमिंदर के लिए सजा थी? परमिंदर की एक गलती की वजह से उसका सब कुछ उससे छिन चुका था। बेकसूर होने के बावजूद भी उसने अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल जेल में बिताए थे। आप दोनों को बहुत सी बातें करनी होंगी, पर अभी ये सही वक्त नहीं है। थोड़ी हिम्मत रखिए, जब आप जेल से रिहा हो जाएंगे तो आप आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल परमिंदर को अपने साथ ले गया। तनुजा की आंखों में भी नमी थी, उसने उदास होकर अरमान को गले से लगा लिया। अरमान ने एक गहरी सांस ली और तनुजा के कंधे को थपथपाते हुए कहा, तनुजा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे याद आया, अब जब हम बाहर जाएंगे तो हमें हमारे लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदने हैं। तनुजा को अरमान की बात कुछ समझ नहीं आई। तभी अरमान आगे बोला, तुमने देखा ना तुम्हारे मॉम और डैड की एज में कितना डिफरेंस है। जब वो दोनों यंग थे तब तक तो सब ठीक चल रहा था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तुम्हारे मॉम डैड की अपीयरेंस में कितना डिफरेंस आ गया है। तुम्हारी मॉम अभी भी इतनी यंग दिखती हैं, लेकिन तुम्हारे डैड अब बूढ़े हो चुके हैं। हम दोनों की एज में भी बहुत फर्क है,
मैं नहीं चाहता कि वक्त के साथ मैं भी बूढ़ा हो जाऊं, इसलिए मुझे अभी से अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना होगा। अरमान की बात सुनकर तनुजा दंग रह गई। अरमान ये कहना चाह रहा था कि परमिंदर नीरजा के सामने बहुत बूढ़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर परमिंदर को ये बात पता चली तो उसे बहुत बुरा फील होगा। एपिसोड 429, गुजरा हुआ कल। अरमान याद रहे, डैड जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो तुम उनके सामने ऐसी बातें मत करना, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, तनुजा ने कहा। ठीक है, वैसे मुझे पता है अगर मैंने ऐसी कोई भी बात डैड के सामने की तो वो हर्ट होंगे, अरमान ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। कुछ देर बाद अरमान और तनुजा पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। तभी तनुजा की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी। इस वक्त सिद्धार्थ बहुत टेंशन में लग रहा था, उसके हाथ में सिगरेट थी। अरमान तुम कार में जाकर बैठो, मुझे सिद्धार्थ से अकेले में कुछ बात करनी है, तनुजा ने अरमान से कहा। अरमान बिना कुछ कहे कार की तरफ बढ़ गया। अभी तुम इस सबके लिए बहुत छोटे हो, तनुजा सिद्धार्थ के पास जाकर बोली। इतना कहकर तनुजा ने सिद्धार्थ के हाथ से वो सिगरेट छीन ली और आगे कहा, अरमान को देखो, वो उम्र में तुमसे कितना बड़ा है पर फिर भी वो कभी स्मोक नहीं करता, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तभी सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है, मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम्हें डैड की फिक्र हो रही है, अगर ऐसा ना होता तो अभी तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी ना दिखाई देती और ना ही तुम इस तरह परेशान होते, तनुजा मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनकर भी सिद्धार्थ ने तनुजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तनुजा कहीं ना कहीं जो कुछ भी कह रही थी वो सच ही था। सिद्धार्थ को लगा था कि वो परमिंदर से मिलने के बाद भी उससे दूरियां बनाए रखेगा, पर इतने सालों बाद अपने डैड को देखकर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी तनुजा इमोशनल होते हुए बोली, सिद्धार्थ जब मुझे पता चला था कि मॉम जिंदा है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर कहीं ना कहीं मैं मॉम से नाराज भी थी। मॉम इस तरह मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी, मैंने उनके बिना इतने साल कैसे गुजारे ये मैं ही जानती हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि मॉम के लिए भी ये सब आसान नहीं रहा होगा, एक अनजान जगह अकेले अपने बेटे को पालना बहुत मुश्किल काम है। मैं हमेशा यही सोचती रही कि मॉम मुझे एक दिन ढूंढती हुई वापस जरूर आएंगी। मैं मॉम की हालत समझ सकती थी, पर उन्होंने मेरी जिंदगी के कुछ बेहतरीन पल मिस कर दिए। मुझे अफसोस है कि उन पलों में मॉम मेरे साथ नहीं थी, पर जो कुछ भी हुआ उसको भूलकर मैं मॉम और तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। एक दिन हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, वक्त बहुत ही कीमती चीज है, हमें इसे इस तरह बीती बातों को याद करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस वक्त तनुजा की आंखों में आंसू थे। तनुजा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, तनुजा मैं तुमसे बहुत अलग हूँ, तुम बचपन से डैड के साथ रही हो, उन्होंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं हुई होगी, पर वहाँ अमेरिका में मेरे और मॉम के लिए लाइफ इतनी इजी नहीं थी। जब मैं स्कूल में था तो मॉम अक्सर मुझे छुट्टी होते ही पैदल स्कूल लेने आया करती थी, पैसे ना होने की वजह से हम दोनों चलकर ही घर जाते थे। सर्दियों में कई बार मॉम जब अपने काम की वजह से स्कूल आने में लेट हो जाती तो मैं वहां ठंड में बैठकर उनका इंतजार करता रहता था। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में आंसू झलकने लगे। उसकी यादों में वो पल अभी भी जिंदा थे। उस वक्त मेरे पास सर्दियों में पहनने के लिए ग्लव्स तक नहीं होते थे, मैं सर्दी में बाहर बैठा ठिठुरता रहता था। मैंने बचपन में ही छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे, मैं अक्सर खाना भी खुद बनाकर खाया करता था, लेकिन एक दिन तो मेरी गलती की वजह से किचन में आग लगने वाली थी, उस वक्त मेरी जान जाते जाते बची थी, सिद्धार्थ ने आगे कहा। मेरी उस गलती की वजह से हमें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। मॉम और मैं कई दिन यूं ही पेड़ के नीचे बैठे रहे थे, मुझे आज भी याद है, उस वक्त बहुत ठंड थी। इतनी ठंड में मॉम ने मुझे अपना स्वेटर उतार कर पहना दिया था और वो खुद ठंड से कांप रही थी। तुम्हें पता है मॉम ने ये तक डिसाइड कर लिया था कि अब वो मुझे अपने साथ रखकर और परेशान नहीं होने देंगी। उन्होंने सोचा था कि वो मुझे यहाँ डैड के पास भेज देंगी। मॉम ने मेरे लिए पैसे इकट्ठे करके फ्लाइट की टिकट्स भी बुक कर दी थी, पर मैंने मॉम की बात नहीं मानी। अगर मैं उस वक्त मॉम को छोड़कर यहाँ आराम की जिंदगी बिताने आ जाता तो मॉम उस अनजान देश में अकेली पड़ जाती, सिद्धार्थ मायूस होकर बोला। सिद्धार्थ की बातें सुनकर तनुजा का मुंह खुला का खुला रह गया। इस वक्त वो बहुत हैरान थी, उसे ये सब नहीं पता था।
क्योंकि नीरजा ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि उन दिनों उन्होंने बहुत गरीबी में अपना गुजारा किया था। तनुजा को डिटेल में कुछ भी नहीं पता था। सिद्धार्थ की बात सुनकर तनुजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। सिद्धार्थ आई एम सॉरी, तनुजा उदास होकर बोली और फिर उसने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मॉम ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है। मॉम अक्सर खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिला देती थी। उन्होंने खुद की परवाह न करते हुए मुझे सारी खुशियां देने की कोशिश की। भले ही उनके पास पैसों की कमी थी, पर उन्होंने प्यार में मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी किसी को मुझे चोट पहुंचाने नहीं दी। जब मैं बीमार होता था तो मॉम सारी रात जागकर मेरा ख्याल रखती थी। आखिर डैड ने मेरे लिए किया ही क्या है? आज तक उन्होंने कभी याद भी नहीं किया, ना ही मेरी परवाह की। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि मैं जिंदा भी हूँ। उनके लिए सिर्फ मैं एक अजनबी था। उन्होंने मॉम की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें क्या लगता है मॉम ने इतने सालों तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने डैड से सच्चा प्यार किया था और डैड ने उन्हें धोखा देकर उनका दिल तोड़ दिया। मॉम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब उनका प्यार से भरोसा उठ चुका है। उनमें किसी और इंसान पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं है। रूम में इतने दिन लॉक होने की वजह से मॉम को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया है। अब वो किसी भी बंद जगह पर नहीं रह सकती। भले ही तुम्हारे लिए वो एक अच्छे डैड साबित हुए हों, पर मेरी नजरों में वो वही इंसान है जिसने मेरी मॉम को दुख पहुंचाए हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ बिना रुके अपने दिल की बात तनुजा से कह रहा था। ये सब बातें उसने इतने सालों तक अपने अंदर दबा कर रखी थी। तनुजा चुपचाप सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी। अब वो समझ गई थी कि नीरजा ने इतने सालों तक दूसरी शादी क्यों नहीं की। अब तक तनुजा को यही लग रहा था कि नीरजा परमिंदर को इतने सालों बाद भी भुला नहीं पाई है, पर वो गलत थी। अचानक सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे अब मॉम के पास घर वापस जाना है। मुझे लगता है डैड कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे। भले ही वो मेरे डैड हैं, पर मुझे उनके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तनुजा ने उदास होते हुए कहा। होटल वापस आने के बाद सिद्धार्थ ने अपना सामान पैक कर लिया और वो सबसे मिलकर एयरपोर्ट जाने लगा। सिद्धार्थ ने अपने लिए खुद ही कैब अरेंज कर ली थी। अरमान ने उसे कहा कि वो सिद्धार्थ को एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा, पर सिद्धार्थ नहीं माना। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। तनुजा बालकनी से सिद्धार्थ को जाते हुए देख रही थी। तनुजा, आखिर तुम दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि सिद्धार्थ अचानक यहाँ से चला गया? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों कुछ वक्त साथ बिताना चाहते हो, अरमान ने तनुजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं सिद्धार्थ को यहाँ रुकने के लिए फोर्स नहीं करना चाहती थी। अगर उसे यहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो उसका मॉम के पास जाना ही बेहतर है, तनुजा आसमान में छाए हुए बादलों की तरफ देखते हुए बोली। मुझे आज पता लगा कि मुझसे ज्यादा मेरे छोटे भाई ने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया है, लेकिन मैं अब उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगी, तनुजा ने इमोशनल होकर कहा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अरमान ने कहा। 3 दिन तक अरमान और तनुजा होटल में ही ठहरे रहे। 3रे दिन अमन ने तनुजा को परमिंदर के केस से रिलेटेड गुड न्यूज दी। परमिंदर और अमित के केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। केस की सुनवाई फ्राइडे को थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अमित और मिस्टर अवस्थी को कितने साल की जेल होगी, पर सब इस बात को लेकर श्योर थे कि परमिंदर जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा। थर्सडे की शाम को अरमान अपने रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर था कि तभी अचानक उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। तनुजा को लगा था कि जरूर दरवाजे पर अमन होगा, पर उसने जैसे ही दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा तो वो कविता को वहां देखकर दंग रह गई। तनुजा कविता से पहले मिल चुकी थी। वो हमेशा सच संवर कर रहती थी, पर आज वो दिखने में ठीक नहीं लग रही थी। तनुजा को समझ नहीं आया कि वो कविता के लिए दरवाजा खोले या नहीं। डोरबेल लगातार बजने की वजह से अरमान वहां आकर बोला, क्या हुआ, इतनी देर से बेल बज रही है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? दरवाजे पर कविता है, तनुजा ने हिचकिचाते हुए कहा। कविता जरूर यहाँ अमित के बारे में बात करने आई होगी। अरमान समझ गया था कि इस वक्त तनुजा कविता को वहां देखकर थोड़ी परेशान है। तभी अरमान ने कहा, उसे अंदर आने दो, कविता ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत दुख दिए हैं। मैं जानता हूँ कि अब कविता यहाँ क्यों आई है। इतना कहकर अरमान ने दरवाजा खोला। कविता दरवाजे से थोड़ी दूर ही खड़ी थी। वो दोनों कविता के पास गए। कविता ने जैसे ही तनुजा को वहां देखा तो वो तनुजा के पैरों पर गिर गई।
तनुजा प्रेग्नेंट थी, वो कविता के ज्यादा पास नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि कविता उसे नुकसान न पहुंचा दे। अरमान कविता को ये सब करते देख रहा था, पर उसका सारा ध्यान तनुजा पर था। वो नहीं चाहता था कि कविता तनुजा को किसी भी तरह की चोट पहुंचाए। तभी कविता ने गिड़गिड़ाते हुए तनुजा के पैर पकड़ लिए और कहा, तनुजा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज अमित को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। मैंने खुद अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी, सारी गलती मेरी है। मुझे अमित से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर तुम्हें किसी को सजा देनी है तो तुम मुझे दे सकती हो, अमित के बदले मैं जेल जाने को तैयार हूँ। तनुजा को कविता पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि कविता तो आशा से भी दो कदम आगे निकली। उसने अपनी खुशी के लिए इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब तुम यहाँ हमसे माफी मांगने क्यों आई हो? तब तुम कहाँ थी जब तुम्हारे बेटे ने मेरे डैड को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया था? तुम्हारे बेटे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तब तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई? तनुजा ने कहा। एपिसोड 430, सच की जीत। तनुजा इस वक्त बहुत गुस्से में थी। तुम अपने बेटे को जेल जाता देख अब यहाँ हमसे माफी मांगने आई हो? आज जो कुछ भी तुम्हारे बेटे के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। फर्क इतना है कि तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हारे बेटे को भुगतनी पड़ रही है, तनुजा ने कहा। तनुजा, उस वक्त मुझ में अपने बेटे को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि सच जानने के बाद मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। मैंने अमित को कई बार ये समझाने की कोशिश की थी कि वो तुम्हारी फैमिली को नुकसान न पहुंचाए, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कब आया। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि तुम्हारे डैड को जेल अमित की वजह से हुई थी, कविता गिड़गिड़ाते हुए बोली। इस वक्त कविता की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन दिनों मुझे अपने बेटे को सच बताने से ज्यादा आसान उस नर्सिंग होम में छुपकर रहना लगा। जब तुम वहाँ मुझे ढूंढती हुई आई थी तब मैं चाहती थी कि तुम्हें सब सच सच बता दूं, लेकिन मैं अमित को भी खोना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी कि एक बार सच सामने आ गया तो अमित को जेल हो जाएगी, क्योंकि उसने कानून तोड़ा है, पर मैं अपने बेटे को इस तरह दर्द में नहीं देख सकती, कविता ने आगे कहा। कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम हमें ना बताती तो ये सच कभी किसी के सामने नहीं आता? जितने साल मेरे डैड ने जेल में बिताए हैं उससे भी ज्यादा वक्त अब अमित को उस जेल में रहना होगा। ये साल तो यूं ही बीत जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, अमित को सिर्फ 5 या 7 साल की जेल होगी। वैसे तुम तो ये सब अच्छे से जानती होगी ना, तनुजा ने बेरुखी से कहा, और फिर वो अंदर जाने लगी। तनुजा ऐसा मत करो, आखिरकार तुम मेरे बेटे से प्यार करती थी, मेरा बेटा भी, ये कहते हुए कविता ने तनुजा के पैर पकड़ लिए। इससे आगे कविता कुछ कह पाती कि तभी अरमान ने कविता को पकड़कर तनुजा से दूर कर दिया। अरमान की आंखों में गुस्सा देखकर कविता सहम गई। तभी तनुजा हंसते हुए बोली, मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे तुम्हारे बेटे से प्यार हो गया। अब अपनी बाकी की जिंदगी अमित जेल में बिताएगा। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी थी, तुम्हें भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस तरह हमें परेशान करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, दोबारा यहाँ मत दिखाई देना। मैं जितनी बार भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ मुझे तुम पर और गुस्सा आने लगता है। मुझ में अमित के लिए इतनी नफरत भरी है कि अगर वो सारी जिंदगी भी जेल में रहे ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कविता अपनी नजरें झुकाए तनुजा की बात सुन रही थी। इस वक्त वो बहुत दर्द में थी। तभी अरमान ने अमन से कहा, इस औरत को यहाँ से ले जाओ। अमन ने कविता को जमीन से उठाया और मेन गेट की तरफ ले जाने लगा। तभी अचानक तनुजा ने कहा, रुको, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये भी बताती जाओ कि आखिर उस बच्चे का पिता कौन है, मेरे डैड और तुम्हारे बीच क्या हुआ था। अब तो तुम सच बता ही सकती हो, वैसे भी अब झूठ बोलकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कविता तनुजा की बात सुनकर रुक गई और तनुजा की तरफ देखते हुए बोली, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे डैड के साथ रहना चाहती थी, पर तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैंने एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ रिलेशन बनाए ताकि मैं एक बड़ी स्टार बन सकूं। पर वो प्रोड्यूसर मुझसे प्यार नहीं करता था, उसने मेरा फायदा उठाया जिस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। तब मैंने फैसला कर लिया था कि वो बच्चा मैं अबॉर्ट करवा दूंगी और अमित के डैड के साथ जाकर रहने लगूंगी। शादी के बाद मैं अमित के डैड के साथ बहुत खुश थी, मैंने अपना पास्ट भी भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। पर अफसोस, मुझे नहीं पता था कि अमित के डैड को उस बच्चे के बारे में पता चल जाएगा।
मैं कभी नहीं चाहती थी कि उन्हें ये सच्चाई पता चले, इसलिए बच्चे के बारे में पता लगने पर मैंने सारा इल्जाम तुम्हारे डैड पर लगा दिया। मेरा घर और कॉलेज बहुत दूरी पर थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमित के डैड परमिंदर के पास सच जानने के लिए पहुंच जाएंगे। उस रात जब वो उस होटल में रुके थे तो वहां आग लगने की वजह से उनकी जान चली गई। इतना कहकर कविता फूट फूट कर रोने लगी। कविता की बातें सुनकर तनुजा को उससे और नफरत होने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कविता इतना कुछ कर सकती है। कविता की वजह से इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरे डैड को हमेशा पछतावा रहेगा कि उन्होंने तुम जैसी स्टूडेंट को इतनी इम्पोर्टेंस दी। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अगर तुमने दोबारा मुझे या मेरी फैमिली को परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं अमित पर मेरी कंपनी को धोखाधड़ी से हड़पने का भी केस कर दूंगी। फिर वो सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा, तनुजा गुस्से में बोली। और इतना कहकर वो बिना कविता की तरफ देखे अंदर चली गई। अरमान भी तनुजा के साथ अंदर आ गया। अरमान ने जैसे ही दरवाजा बंद किया तो तनुजा अरमान के गले लगकर बोली, अरमान ये मेरी और मेरी फैमिली के साथ ही क्यों हुआ? मैं आज बहुत अपसेट हूँ। अरमान ने तनुजा को गले से लगा लिया और वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह तनुजा को अच्छा फील करवाए। तुम ज्यादा मत सोचो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। ज्यादा टेंशन लेने से हमारे होने वाले बच्चे और तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकता, अरमान ने कहा। कल डैड के केस की हियरिंग है, मुझे लगता है हमें जल्दी सो जाना चाहिए। कल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, अरमान आगे बोला। इतना कहकर अरमान और तनुजा अपने रूम में जाकर सो गए। अगली सुबह 9 बजे कोर्ट में परमिंदर के केस की हियरिंग थी। तनुजा अरमान के साथ सुबह कोर्ट जाने के लिए निकल गई। परमिंदर भी कोर्ट जल्दी पहुंच चुका था। उसने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। परमिंदर की नजरें तनुजा को ही ढूंढ रही थीं, पर तनुजा इस वक्त रास्ते में थी। जब उसे तनुजा नजर नहीं आई तो उसने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। कुछ ही देर में सब लोग कोर्ट पहुंच गए। केस की हियरिंग शुरू होते ही परमिंदर की लॉयर ने मिस्टर अवस्थी से पूछताछ करके सच सामने लाने की कोशिश की। अमित वहां कटघरे में ही खड़ा था। वो अपराधी होने के साथ साथ विक्टिम भी था। मिस्टर अवस्थी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर इस बार परमिंदर की लॉयर के पास उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे। आरोपों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ घंटे बाद सच सबके सामने आ ही गया। आखिरकार कोर्ट ने परमिंदर को बाइज्जत बरी कर दिया। इतने साल बिना किसी जुर्म के जेल में रहने के लिए गवर्नमेंट ने परमिंदर को हुए नुकसान के लिए कंपनसेट करने का फैसला किया। तनुजा तो खुशी से झूम रही थी। उसके डैड अब जेल से बाहर आ गए थे। आखिर में केस को क्लोज करते हुए जज ने कहा, अमित और मिस्टर अवस्थी को कोर्ट में झूठे सबूत पेश करने के लिए और एक बेगुनाह को जेल करवाने के लिए 5 साल की कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, अमित मेरा बेटा, कविता चिल्लाई। वो अपने बेटे को जेल जाता देख फूट फूट कर रोने लगी। अमित कविता से बहुत नाराज था। कोर्ट की हियरिंग के दौरान अमित ने एक बार भी कविता की तरफ नहीं देखा। वो पूरे वक्त सिर्फ तनुजा को ही देखता रहा। फिर अमित ने देखा कि तनुजा मुस्कुराते हुए परमिंदर के गले से लग रही है। अमित की आंखें इस वक्त नम थीं। तभी पुलिस ऑफिसर अमित को अपने साथ ले जाने लगे। परमिंदर और तनुजा के पास से गुजरते हुए अमित ने धीमी आवाज में कहा, परमिंदर अंकल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि तनुजा से माफी मांगनी चाहिए, परमिंदर ने अमित को बेरुखी से देखते हुए कहा। परमिंदर को पहले अमित बहुत पसंद था, पर अब सब कुछ बदल चुका था। परमिंदर को खुद पर शर्म आ रही थी। उस वक्त परमिंदर कितना बेवकूफ था जो उसने कविता का सहारा लेकर नीरजा को जेलस फील करवाने की कोशिश की थी। परमिंदर मन ही मन सोच रहा था कि उसने नीरजा के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उसे जो सजा मिली वो भी कम थी। परमिंदर का मानना था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी गलतियों की वजह से ही हुआ था, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती उसे इतनी बड़ी सजा देगी उसने कभी नहीं सोचा था। तनुजा, मैं चाहता हूँ कि तुम और अरमान खुश रहो, अमित ने अपने उदास चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। इसके बाद अमित ने अरमान से कहा, अरमान प्लीज तनुजा का ख्याल रखना, अगर तुमने तनुजा को परेशान किया तो मैं जेल से बाहर आने के बाद तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम जेल से बाहर आओगे तब तक तो तनुजा और मेरे 2-3 बच्चे हो चुके होंगे, अरमान ने इतराते हुए कहा। तुम्हें तनुजा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है,
उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, अरमान आगे बोला। तभी पुलिस ऑफिसर्स अमित को अपने साथ ले गए। कविता अमित के पीछे पीछे रोती बिलखती आगे बढ़ रही थी। कोर्ट के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ अमित की फोटोग्राफ्स लेने में बिजी थी। वहीं तनुजा ने परमिंदर का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए डैड घर चलते हैं। ये सुनकर परमिंदर उदास हो गया और बोला, बेटा मेरा कोई घर नहीं है, मैं अपनी फैमिली को बहुत पहले ही खो चुका हूँ। भले ही परमिंदर जेल से बाहर आ गया हो, पर उसने इतने सालों में जो खोया था वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता था। गवर्नमेंट परमिंदर को उसकी डेली एवरेज इनकम और उसकी मेंटल सफरिंग को ध्यान में रखते हुए कंपनसेट तो कर देगी, पर क्या वो साल जो परमिंदर ने गंवा दिए वो वापस आ सकते हैं? अमित ने जो घर हमसे छीन लिया था अब वो उसने हमें वापस दे दिया है, तनुजा ने मुस्कुराते हुए परमिंदर से कहा। अब आप आराम से अपनी बाकी की जिंदगी उस घर में बिता सकते हैं। अगर कभी आपका घर में मन ना लगे तो आप हमारे पास आकर रह सकते हैं, बेबी होने के बाद उसका ध्यान रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना, अरमान ने कहा। बेबी? परमिंदर हैरान होते हुए बोला। अरमान के मुंह से ये शब्द सुनकर परमिंदर हैरान था। उसने हैरानी भरी नजरों से तनुजा की तरफ देखा और वो हड़बड़ाते हुए बोला, कहीं तुम? डैड, तनुजा 4 महीने की प्रेग्नेंट है, हमने अक्टूबर में शादी करने का फैसला किया है, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर परमिंदर को बहुत गुस्सा आया। अभी अरमान और तनुजा को रिलेशनशिप में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और इतने कम वक्त में तनुजा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। परमिंदर को यकीन नहीं हो रहा था कि तनुजा प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरमान, ये सब क्या है? परमिंदर ने अरमान को घूरते हुए कहा। अरमान की आंखों में इस वक्त चमक थी। अरमान ने सोचा था कि वो ये खुशखबरी परमिंदर के जेल से बाहर आने पर उसे देगा। अरमान को देखकर परमिंदर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या कहे। परमिंदर पर अरमान के बहुत से एहसान थे। वो जब जेल में था तब अरमान ने ही तनुजा को संभाला था। अरमान ने परमिंदर को जेल से निकलवाने के लिए बहुत मेहनत की थी। क्या अरमान की जगह और कोई होता तो वो ये सब करता? परमिंदर मन ही मन सोच रहा था कि अरमान भले ही थोड़ा साइको क्यों ना हो, पर वो उसकी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो जानता था कि अरमान तनुजा को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता था। अब जब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम दोनों को जल्द से जल्द एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। अरमान, मेरी बेटी का ख्याल रखना, परमिंदर ने कहा।